हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और इसका आज ये लेक्चर नंबर 17 है, 17वां लेक्चर है ये, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का पार्ट 4 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अब चूंकि ये जो लेक्चर है काफ़ी गैप के बाद आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पिछले लेक्चर में कितना कुछ कवर कर लिया था। हालांकि इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा पोर्शन हमारा बचा हुआ था जिसको हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस पढ़ रहे थे, कौन कौन से डिवाइस होते हैं प्रेशर को मेजर करने के, और सभी मेजरमेंट डिवाइस को हम डिटेल में एक एक करके स्टडी कर रहे थे, जिनमें से हमने कुछ डिवाइस पढ़ लिए थे अपने, जिसमें सबसे पहले हमने बैरोमीटर के बारे में पढ़ लिया था, दूसरा हमने मैनोमीटर की स्टडी की थी, फिर मैनोमीटर के हमने दो टाइप देखे थे, एक होता है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। और सिंपल मैनोमीटर के भी टाइप हम पढ़ रहे थे। इस सिंपल मैनोमीटर में हमने पीजोमीटर ट्यूब पढ़ लिया था और यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ लिया था, और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सेंसिटिव मैनोमीटर से आगे। यानी सेंसिटिव मैनोमीटर जो होता है वो सिंपल मैनोमीटर का ही एक टाइप होता है। सिंपल मैनोमीटर आपको बताए थे 3 टाइप के होते हैं, पीजोमीटर ट्यूब, यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर। तो ये जो सेंसिटिव मैनोमीटर है, आज से हम यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और बाकी इसके नीचे जितने भी डिवाइस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी को कवर कर लेंगे 1x1 इस सिंगल लेक्चर में, ठीक है। यानी पहले हम सेंसिटिव मैनोमीटर पढ़ेंगे, इसके बाद हम सेंसिटिव मैनोमीटर भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर और इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर, इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद फिर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर की ओर मूव करेंगे, और डिफरेंशियल मैनोमीटर हमारे 3 तरह के होते हैं, इन तीनों को पढ़ेंगे अच्छे से। 2 पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा एक हमारा, दूसरा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा, और तीसरा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो इस तरह से 3 डिवाइस ये हैं, 2 डिवाइस ये हैं, 5ों की हम अच्छे से स्टडी करेंगे। अब ध्यान से समझते चलिएगा, 1x1 चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको इससे पिछले लेक्चर में करा दिए थे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए थे क्वेश्चंस, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें से अगर सेंसिटिव मैनोमीटर की बात करें तो सेंसिटिव मैनोमीटर का सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर इंपॉर्टेंट है, सिंगल कॉलम वाला ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हालांकि बहुत आसान है, इजीली आपको 4-5 मिनट में क्लियर हो जाएगा ये, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिफरेंशियल के 3 टाइप हम पढ़ेंगे, जिनमें से हमारा क्वेश्चन इन्वर्टेड पर कई बार पूछ लिया जाता है, एक तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर पर और एक इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सभी को समझते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंसिटिव मैनोमीटर की डेफिनेशन पहले लिख दी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी में सूक्ष्मग्राही द्रव दाबमापी कहते हैं, जो सेंसिटिव मैनोमीटर होता है इसकी हिंदी क्या होती है, सूक्ष्मग्राही द्रव दाबमापी। सूक्ष्मग्राही समझ रहे हैं, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, यानी कि कम, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंसिटिव मैनोमीटर होता है ये सूक्ष्म दाब को मेजर करता है, सूक्ष्म कह दो या अति सूक्ष्म कह दो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक। तो लिखा है यह है दाबमापी, अति सूक्ष्म दाब ज्ञात करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग वर्ड ऐड कर लीजिएगा यहाँ, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, अति सूक्ष्म दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे इनका कार्य सिद्धांत यह है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो हमारे सेंसिटिव मैनोमीटर है इनका प्रिंसिपल होता है कि थोड़े से दाब परिवर्तन से इनके द्रव की ऊंचाई में काफ़ी अंतर प्रदर्शित होता है। मतलब कहने का क्या है, जब हम प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करेंगे ना तो जो कॉलम की हाइट होगी वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ जाती है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, समझ पा रहे हैं ना। इनका कार्य सिद्धांत क्या है, यह है कि थोड़े से दाब परिवर्तन से इनके द्रव की ऊंचाई में काफ़ी अंतर प्रदर्शित होता है, मतलब ऊंचाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस कर देते हैं, प्रेशर थोड़ा जैसे बढ़ा दें हम प्रेशर को या कम कर दें, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ ना कि इसके कॉलम की ऊंचाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अभी समझाएंगे कैसे देखने को मिलता है, ये 2 टाइप के होते हैं, दोनों में समझेंगे हम।
एक तो सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर, दूसरा इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। अब सिंगल कॉलम को और इनको आप समझ लेंगे तो आपको ये वाला जो कार्य सिद्धांत है ना इजीली समझ में आ जाएगा। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना थ्योरी की फॉर्म में, वो आपसे सेंसिटिव मैनोमीटर पूछेगा, तो आपको सेंसिटिव मैनोमीटर का इतना पोर्शन साथ में ये दोनों टाइप आपको लिख के आने होंगे थ्योरी की फॉर्म में, क्लियर ना। हालांकि पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर को स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जाता है, तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप सेंसिटिव मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे तो एक तो अपने माइंड में ध्यान रखना कि चाहे आप सिंगल कॉलम करें या इंक्लाइन ट्यूब करें, दोनों में ही आप अति सूक्ष्म प्रेशर को मेजर करेंगे। दूसरा इसका प्रिंसिपल याद रखना, इनके जो प्रिंसिपल थे वो तो अलग थे ही आपके कि हम क्या करते हैं कॉलम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा रहे थे, तो यहाँ भी लगेगी कंडीशन, बट यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि थोड़े से ताप में परिवर्तन करने से द्रव की ऊंचाई में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। कैसे अंतर देखने को मिलेगा, चलिए इसको समझते हैं, इसमें आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि हम थोड़ा सा प्रेशर चेंज करते हैं तो उससे हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किस तरह से देखने को मिलता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर से, ठीक है, दोनों को एक एक करके समझेंगे, क्लियर हुआ इतना। चलिए देखिए समझते हैं अब सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर यानी कि एकल स्तंभ सूक्ष्मग्राही द्रव दाबमापी के बारे में। अब ध्यान से आप इसको समझना, पहले हम समझेंगे डायग्राम को, फिर आपको थ्योरी पार्ट इसका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये कोई भी एक पाइप था आपका, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, और इसको आपने यहाँ पर किससे जोड़ रखा है, मैनोमीटर से जोड़ रखा है, ठीक है, सेंसिटिव मैनोमीटर से जोड़ रखा है। अब पहली चीज़ तो ये एक सेंसिटिव मैनोमीटर है, और सेंसिटिव मैनोमीटर में क्या होगा, यहाँ पर एक वेसिन आपने ऐड कर रखा है, इसमें क्या लगा रखा है, ये वेसिन, आप इसको रिजर्वॉयर भी कह सकते हैं, रिजर्वॉयर। अगर ये वेसिन यहाँ पर नहीं लगा होता, सपोज ये वाला पोर्शन वेसिन वाला इसमें नहीं लगा होता, तो ये ओनली इस तरह से यू शेप का है, यू शेप का मतलब ये यूट्यूब मैनोमीटर जैसा है, क्या है ये, यूट्यूब मैनोमीटर के जैसा है मैनोमीटर। बोलिए अगर मैं इसमें से ये जो रिजर्वॉयर या वेसिन आपने जोड़ रखा है, अगर मैं इसको इसमें से निकाल दूं तो क्या ये यूट्यूब मैनोमीटर बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इस यूट्यूब मैनोमीटर में ही वेसिन ऐड कर दिया बीच में, और इसका थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको हमने, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर, ये क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर का एक मॉडिफाई रूप है, क्या मॉडिफाई रूप है इसका, ये मॉडिफाइड, ठीक है, इतना बोलिए, क्लियर है। यानी हमने क्या किया, यूट्यूब मैनोमीटर में थोड़ा सा संशोधन कर दिया, और संशोधन करके क्या बना दिया, सेंसिटिव मैनोमीटर बना दिया, पहली चीज, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इस डायग्राम में क्या क्या हो रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए इसमें ये जो आपको दिख रहा है एक अलग तरह का लिक्विड है ये वाला, जिसमें हमने इस तरह हैचिंग कर रखी है, लाइक डेट, ये मान लिया हमने मरकरी है, सपोज ये क्या है, ये हमने मरकरी मान लिया, सपोज ये मरकरी था, और इधर पाइप में कोई भी वाटर है। अब सुनना ध्यान से, स्टार्टिंग में क्या था, पाइप में आपका यहाँ पर सुनिएगा, समझ लीजिएगा सही से, इसमें कोई भी पानी वगैरह कुछ नहीं है अभी, सुनिए ध्यान से। और ये जो मरकरी का लेवल है शुरू में इधर यहाँ था, जो डेल्टा एच हाइट दिख रही है ना, ये यहाँ पर था पहले, ये जो हैचिंग वाला पोर्शन है यहाँ था यहाँ, और इस साइड का ये जो एच टू है ना, यहाँ एच टू तक ये पूरा खाली था, ये वाला लेवल यहाँ तक था, मतलब यहाँ इस लाइन से नीचे नीचे पूरा मरकरी भरा हुआ था और इसमें कुछ नहीं था, ठीक। अब हुआ क्या, इस पाइप में आया पानी, या पानी कह दो या कोई भी दूसरा लिक्विड कह दो, जो मरकरी के अलावा कुछ और हो, ये अलग तरह का लिक्विड है, ये अलग है, कोई भी दूसरा लिक्विड आया इसमें, और ये लिक्विड आकर के यहाँ आया वेसिन में, जैसे इसने वेसिन में एंटर किया तो जो मरकरी का लेवल पहले यहाँ पर था, यानी इस लिक्विड का जो लेवल यहाँ था, उस पर जैसे इसने प्रेशर लगाया, किसने, ये जो लिक्विड आ रहा है ऊपर से बह करके अलग तरह का दूसरा, या मैं इसको पानी नाम दे दे रहा हूँ, सपोज ये मैंने सपोज यहाँ पर वाटर कह दिया, ये मरकरी, ठीक है, इससे हम समझ लेंगे आसानी से। तो हमने कह दिया ये पाइप में क्या है, वाटर है, और नीचे इसमें मरकरी था, तो जब ये वाटर आया ऐसे, तो इसने वाटर ने क्या किया, इस मरकरी पर प्रेशर लगाया नीचे की ओर, और प्रेशर लगा के इसका जो लेवल है वो डेल्टा एच हाइट तक नीचे कर दिया, पहले यहाँ तक था, अब ये इसमें कितना चेंज आ गया, इसमें डेल्टा एच हाइट का नीचे चेंज आया। जब इधर डेल्टा है एच हाइट का चेंज आया, तो यहाँ से जो लेवल था वो उठ करके यहाँ पहुँच गया, कितना, एच टू हाइट पर पहुँच गया इसका लेवल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि हम इसमें बहुत थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यानी प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करने पर इस कॉलम में जो लेवल है बहुत हाई पहुंच गया लिक्विड का लेवल, और सिंगल कॉलम में ही लिक्विड का लेवल हाई पहुंच रहा है, इसलिए हम इसको सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको हमें मेजर करना होगा, तो हम सिंगल कॉलम में ही इस प्रेशर को मेजर करेंगे, इसीलिए इसको हम सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर कहते हैं। यहाँ पर दूसरा जो कॉलम है
इसमें क्या है, इसमें आपका ये वेसिल लगा हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है सिर्फ, लेकिन यहाँ देखा आपने बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, इतना बोलिए। यहाँ तक क्लियर सभी को ये चीज़, ठीक है। अब समझिए इसमें ध्यान से थोड़ा सा और, कि ये जो वेसिन है ना, इस वेसिन का डाया है बहुत ज़्यादा, डाया कितना है बहुत ज़्यादा है, जबकि ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है कॉलम का डाया, ये बहुत कम है, स्मॉल डी है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि जो हमारा सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर होता है, इसकी एक भुजा का एरिया तो बहुत अधिक होगा, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है तो एरिया भी ज़्यादा होगा। सपोज हमने मान लिया इसका जो एरिया था, इसका एरिया वो कैपिटल ए है, कितना कैपिटल ए, और ये जो आपका यहाँ पर स्मॉल डी डायमीटर वाली भुजा है, इसका एरिया मान लिया आपने कितना स्मॉल ए है, इसका एरिया है स्मॉल ए, इतना समझ पा रहे। तो यहाँ पर ये एरिया अधिक है, ये एरिया कम है। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, ये इस सिद्धांत पर कार्य करेगा, जितना इस बेसिन में लिक्विड के लेवल में अंतर आया है, या हम कह देंगे आयतन में जितना अंतर आया है, किसमें, इस बेसिन में, इस लिक्विड के आयतन में जितना अंतर आया है, वह आयतन का अंतर इस कम एरिया वाली भुजा के आयतन में अंतर के बराबर होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, उसी से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। इतना समझ आ रहा है, तो पहले आप इसकी थ्योरी को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए थ्योरी में क्या लिखा है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर इन विच ए रिजर्वायर हैविंग लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द कॉलम। यानी कि ये क्या है, ये यूट्यूब मैनोमीटर का ही एक मॉडिफाई फॉर्म है, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर के मॉडिफाई फॉर्म है ये, इन विच, जिसमें क्या है, जिसमें एक रिजर्वायर जुड़ा हुआ है लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का, हमने रिजर्वायर कह दो आप या फिर वेसिन कह दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या कर रखा है, एक रिजर्वायर को कनेक्ट कर रखा है इसकी एक कॉलम से या एक भुजा से, कह सकते हैं आप। इतना बोलिए, इतना समझ पा रहे हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। अब हिंदी में आप समझ सकते हैं, यह है द्रव दाब मापी, यू नली द्रव दाब मापी का सुधरा रूप है। कैसा रूप है, सुधरा मतलब मॉडिफाई रूप है। इसकी एक भुजा की काट का बहुत अधिक, काट का क्षेत्रफल, बेटा काट का या क्षेत्रफल ऐड कर लीजिएगा, काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, जिसमें बेसिन जुड़ा होता है। इसमें लिखा है ना ये वाला, क्या इसकी एक भुजा की काट का, एक भुजा ये है, इसकी काट का जो क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक बेसिन जुड़ा होता है तथा दूसरी भुजा का क्षेत्रफल कम होता है। ये देख पा रहे हैं आप, दूसरी भुजा का एरिया कैसा कम है, ठीक। अब यहाँ लिखा है दाब परिवर्तन से अधिक काट वाली भुजा में द्रव के तल में कम परिवर्तन होता है। दाब जब हमने परिवर्तन किया, प्रेशर में चेंज किया, तो हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारी अधिक काट वाली भुजा है, अधिक काट वाली भुजा, इसके द्रव तल में कम परिवर्तन होता है, किंतु कम काट वाली भुजा में द्रव के तल में काफ़ी परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर केवल डेल्टा एच का परिवर्तन हो रहा है, जबकि यहाँ पर एच टू का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए कम काट वाली भुजा के द्रव तल की माप आवश्यक होती है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस कम काट वाली भुजा का जो द्रव तल है ना, इसको मेजर करना आवश्यक होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एकल स्तंभी द्रव दाब मापी कहा जाता है। ये तो इसकी थ्योरी पार्ट हो गई, उम्मीद है आपको इसका थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसके फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम समझ लेते हैं कैसे निकलेगा, हटा दें इसको, चलिए इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, समझते चलिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें बहुत टफ लगती हैं बच्चों को डायग्राम वगैरह देख करके, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ईजी करने की। आप लिख करके एक बार और रीड करेंगे तो आपको ईजीली याद हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, इसका फॉर्मूला काम करेगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा छोटा सा, और वो कॉन्सेप्ट रहेगा वेसिन के आयतन में परिवर्तन, वेसिन के आयतन में परिवर्तन, वेसिन के आयतन में परिवर्तन, बेसिन के आयतन में परिवर्तन बराबर इस कम काट वाली भुजा के आयतन में परिवर्तन, कम काट वाली भुजा के आयतन में परिवर्तन। इंग्लिश वाले बच्चे सिंपल कह सकते हैं क्या, जितना लिक्विड यहाँ पर एंटर किया है उतना ही यहाँ पर लीव करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं आप, लीविंग फ्लूड इक्वल टू एंटरिंग फ्लूड, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। अब आयतन हम सभी जानते हैं, एरिया इनटू में
जितना हाइट होगी उसे लेते हैं। तो इधर एरिया क्या हमने कैपिटल ए माना है, एरिया एरिया कितना माना है कैपिटल ए, बेसिन बेसिन का एरिया कैपिटल ए है, और इसमें हाइट में कितना चेंज आ रहा है डेल्टा एच, तो ए इंटू डेल्टा एच हो गया एक साइड बराबर। दूसरी साइड क्या होगा, इसका एरिया कितना स्मॉल ए है, एरिया स्मॉल ए इंटू इसकी हाइट में कितना चेंज आ रहा है एच टू, एच टू चेंज आ रहा है इसमें एच टू। यहाँ तक बोलिए क्लियर है सभी को, ये समझ आ रहा है, यहाँ पर एच वन का कोई रोल नहीं है, एच टू है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा एच अगर हमें फाइंड आउट करना हो डेल्टा एच, तो हम बता सकते हैं क्या आएगा, स्मॉल ए इंटू एच टू अपॉन में ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ बताइए, हम यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमें एच टू पता हो, ये अगर हमें पता हो कितनी हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो गई, तो हम इजीली डेल्टा एच बता सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से स्मॉल ए और कैपिटल ए ज्ञात होगा। और अगर हमें डेल्टा एच बता दे कि यहाँ पर कितनी हाइट में यहाँ पर चेंज हुआ है बेसिन में, तो हम इस एच टू को निकाल सकते हैं, तो हम डेल्टा एच और एच टू दोनों आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको और आगे इसको डिटेल में करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, डेल्टा एच बराबर स्मॉल एरिया क्या आएगा, स्मॉल ए, स्मॉल डी डायमीटर है, तो आएगा पाई बाई फोर स्मॉल डी का स्क्वायर आएगा ना, इनटू में इधर एच टू अपॉन में कैपिटल ए क्या आएगा, पाई बाई फोर कैपिटल डी का स्क्वायर, तो पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा एच बराबर आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का स्क्वायर इनटू में एच टू। बोलिए क्लियर है, अगर हमें एरिया ना दे करके डायमीटर दे रखा हो तब भी हम इस डेल्टा एच और एच टू में रिलेशन बता सकते हैं। मुझे लगता है अब आपको शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिन में कितनी हाइट में चेंज हुआ है लिक्विड की, डेल्टा एच बराबर बता देंगे स्मॉल ए इंटू एच टू अपॉन में ए, यानी कि स्मॉल ए मतलब इसका एरिया, इस कम काट वाली जो भुजा है इसका एरिया इंटू में इसमें कितना हाइट में चेंज हुआ है वो लेंगे अपॉन में इस बेसिन का एरिया, ठीक है। हमने इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखा, तो सिंपल कम काट वाली भुजा का डायमीटर अपॉन में बेसिन का डायमीटर, इन दोनों का स्क्वायर इंटू एच टू कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ ले, बाकी कम ही चांस रहते हैं इसमें न्यूमेरिकल पूछने के, थ्योरी पार्ट में ये पूछा जाता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा, हटा दें इसको, क्लियर है सभी को, नोट्स में इसको लिख करके एक बार और रीड कीजिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं इसके सेकंड टाइप पर, जिसमें हम इनक्लाइंड देखेंगे, इनक्लाइंड सेंसिटिव मैनोमीटर, ठीक है, हटाते हैं इसको। चलिए अब समझ लेते हैं इनक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर, यानी आनत नलिका सूक्ष्मग्राही द्रव दाबमापी के बारे में। तो ये जो इनक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर है, ये बिल्कुल आपका पीछे जो आपने पढ़ा था सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर उसके जैसा है, सेम टू सेम, अंतर सिर्फ इतना है उसमें भी आपका यहाँ पर रिजर्वायर लगा हुआ था बेसिन, जैसे यहाँ लगा है, इधर पाइप था इस तरह से कनेक्ट था। अंतर कितना है कि इसकी जो ये वाली भुजा है ना, ये वाली जो सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर था उसमें ये वर्टिकल थी, ऐसे ऊर्ध्वाधर थी, इस तरह से जा रही थी ना, ऐसे ऐसे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, तो बस इस ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वाली भुजा को इंक्लाइंड कर दिया गया किसी एक थीटा एंगल पर। क्या कर दिया है, जो सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर होता है उसकी वर्टिकल वाली भुजा को यहाँ पर इंक्लाइंड कर दिया है, इसीलिए इसका नाम है इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। अब इसको इंक्लाइंड क्यों किया गया, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको इंक्लाइंड करने से ये और भी अधिक सेंसिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये और अधिक सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव का मतलब क्या है, सूक्ष्मग्राही हो जाएगा, और अधिक सूक्ष्मग्राही से मतलब ये है कि आप इसके जब दाब में परिवर्तन करेंगे तो बहुत कम परिवर्तन करने पर, जो पीछे सिंगल कॉलम में यहाँ पर क्या हो रहा था, इस लिक्विड का तल ऊपर बढ़ जा रहा था, उसमें और भी ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। जब हम इसको इंक्लाइन कर देंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा ऊपर को राइज कर जाएगा, समझ पा रहे हैं, यानी कि द्रव के तल में अंतर की वैल्यू और अधिक हो जाएगी, और भी अधिक आपको अंतर देखने को मिलेगा जब हम इसको इंक्लाइन कर देंगे। तो जब ये वर्टिकल था तो अंतर जो ऊपर राइज कर रहा था वो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कम करता था, अब हमने इसको इंक्लाइन कर दिया तो और ऊपर अधिक ये राइज कर जाएगा, ये और अधिक सेंसिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जब हम इसको इंक्लाइंड करते हैं, ये तो समझ गए आप, और अधिक सेंसिटिव हो जाएगा, इसके लिए हमने इसको इंक्लाइंड किया है। दूसरा, ये जो एंगल थीटा है इसकी मिनिमम वैल्यू 4 डिग्री होती है, 4 डिग्री, ये 4 डिग्री से और कम नहीं होना चाहिए, अगर 4 डिग्री से भी कम हो गया
तो इस केस में फिर इसमें सरफेस टेंशन के भी फोर्स कार्य करने लग जाएंगे, पृष्ठ तनाव के भी बल कार्य करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पृष्ठ तनाव पढ़ाया गया था कि एक लिक्विड हो और ऊपर एयर हो, इन दोनों के बीच के सरफेस पर सरफेस टेंशन कार्य करने लगता है। जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 डिग्री से भी ये कम हो जाएगा। हालांकि वहां पर आपको बताया था कैसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता था जो खिंचा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 डिग्री से भी अगर आप और कम कर देंगे तो यहाँ पर सरफेस टेंशन के फोर्स एक्ट करने लग जाएंगे, फिर उसको भी कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी न्यूनतम वैल्यू 4 डिग्री रखते हैं, इससे कम नहीं लेते एंगल को। इतना समझ पा रहे हैं? अब आप इसकी थ्योरी रीड कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ लिखा है क्या, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर की कम काट वाली भुजा, भुजा को इंग्लिश में लिम्ब बोलते हैं, कम काट वाली भुजा को ऊर्ध्वाधर की बजाय किसी उपयुक्त कोण पर झुका दिया जाता है, जिससे यह और अधिक सेंसिटिव बन जाती है। यानी कि यहाँ पर जो इसकी जो कम काट वाली भुजा थी ना, ये वाली, इसको वर्टिकल की जगह क्या कर देते हैं हम, इनक्लाइंड कर देते हैं, जिससे कि ये और अधिक सेंसिटिव हो जाए, ठीक है। इस प्रकार इनक्लाइंड भुजा में द्रव के तल में अपेक्षाकृत और अधिक परिवर्तन होगा। यहाँ पर जो ये इनक्लाइंड वाली भुजा है ना, अब इसके द्रव के तल में और ज़्यादा अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा सिंगल कॉलम की अपेक्षा, ठीक। आगे लिखा है, इनक्लाइंड भुजा क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसका न्यूनतम मान 4 डिग्री रखा जाता है। क्यों रखा जाता है 4 डिग्री, क्योंकि इससे कम कोण पर सरफेस टेंशन के बलों को गणना में सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। अगर इससे कम रखेंगे वैल्यू 4 डिग्री से, तो उस केस में क्या होगा, सरफेस टेंशन के बलों को भी गणना में सम्मिलित करना आवश्यक हो जाएगा। यही मैंने आपको थ्योरी पार्ट इसका समझाया था, उम्मीद है आपको इसका थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे बी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट, तो ये जो आपका फ्लूड भरा हुआ है इसमें, सपोज इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी है वो एस है, तो एस स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये जो फ्लूड इसके अंदर भरा है, इसके एक लेवल तो ये वाला है बी और दूसरा लेवल यहाँ पर है, सपोज इस पॉइंट को सी मान लिया हमने सी, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, एच है। तो हम कह देंगे यहाँ पर दोनों भुजाओं में द्रव के तलों में अंतर बराबर एच हो गया। और हमने मान लिया जो हमारी इंक्लाइंड वाली भुजा थी ना, इस इंक्लाइंड वाली भुजा में जो द्रव की लंबाई है वो एल है, यानी कम काट वाली भुजा में द्रव की लंबाई बराबर एल हमने मान ली यहाँ पर। अब आपको एक चीज़ बताइए आप लोग, जब यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा एंगल होगा, ये थीटा एंगल होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, एक त्रिभुज बन रहा समकोण त्रिभुज, और मैं यहाँ पर कहूँ साइन थीटा, मैं कहूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं लंब बट्टे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी एच अपॉन एल हो जाएगा ये। यहाँ तक बोलिए, समझ पा रहे हैं सभी? अब यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल को इस साइड ले जाओ, तो एच बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। एच बराबर क्या आ गया, एल साइन थीटा। एक इसको समीकरण बना लो। अब मैं यहाँ पर बी लेवल पर और इस ए लेवल पर बताऊँगा प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, बेसिन में, हिंदी में लिख देते हैं, बेसिन में द्रव तल बी पर दाब, द्रव तल बी पर दाब कितना होगा, तो द्रव तल बी पर दाब के लिए हमारा ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो है इंक्लाइंड वाली भुजा, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ का आप ध्यान रखना, हमने प्रेशर का फॉर्मूला ये पढ़ा है, रो जी एच होता है, क्या होता है, रो जी एच। लेकिन जब हम प्रेशर बताएं ऊंचाई के पदों में, किसके ऊंचाई के पदों में बताएं, तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, फॉर्मूला हमारा एस इंटू एच लगता है। कौन सा लगता है डियर, एस इंटू एच लगता है। साथ में आपको ये फॉर्मूला लगाने के जस्ट बाद ब्रैकेट में एक चीज़ भी लिखनी है आपको, वो क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर पानी की ऊंचाई के पदों में, पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई के पदों में, पानी की ऊंचाई के पदों में हम बता रहे हैं इसको। जब पानी की ऊंचाई के पदों में फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो क्या लगाएंगे, एस इंटू एच लगाएंगे। इसकी यूनिट आपकी एमएम में या फिर मीटर में आता है, ये किस में आता है, एमएम या मीटर में, ये फॉर्मूला होता है दाब का। समझ पा रहे इतना, ये किस पर है, बी पॉइंट पर प्रेशर है ये। अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, मैं पी बी लिख दे रहा हूँ, बी पर प्रेशर पी बी बराबर एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे मैंने यहाँ पर मान रखा है एस का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी,
हिंदी वाले बच्चे इसको आपेक्षिक गुरुत्व कह सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व कह दीजिए आप। तो यहाँ पर s हो गया इंटू, एच की वैल्यू हमने जस्ट अभी ऊपर निकाली है इक्वेशन फर्स्ट में, क्या है एल साइन थीटा। ये तो हमारा बेटा किस पर आ गया, बी पर आ गया प्रेशर की वैल्यू। बोलिए इतना सभी को क्लियर है, पॉइंट बी पर प्रेशर की वैल्यू सभी को क्लियर है। अब इसके बाद ए पर और निकालेंगे प्रेशर, ये थ्योरी पार्ट में मिटा रहा हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम ए पर और निकाल लेते हैं, ए पर, ए पर दाब कितना होगा, ठीक देखिए ए पर दाब, ए पर दाब पीए। अब ए पर दाब पीए निकालने के लिए ये कैलकुलेट करना है हमें, इसके लिए आप इक्विलिब्रियम लगाएंगे, एक ये वाला लिंब हो गया, दूसरा ये लिंब हो गया, तो यहां लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में। संतुलन में क्या होगा, जो लेफ्ट वाला लिंब है इसमें प्रेशर बराबर राइट वाले लिंब में प्रेशर, प्रेशर इन, प्रेशर इन लेफ्ट लिंब बराबर प्रेशर इन, प्रेशर इन राइट लिंब, राइट लिंब। बोलिए समझ पा रहे हैं, लेफ्ट लिंब में कितना प्रेशर होगा, एक तो ए पॉइंट पे प्रेशर होगा पी ए प्लस में, पी ए प्लस में, दूसरा क्या होगा इधर लिक्विड भरा हुआ कितना एच वन हाइट तक है, ये वाला एच वन हाइट तक, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस वन है, तो हम यहाँ पर एस वन इंटू एच वन कह देंगे, क्योंकि हम ऊंचाई के पदों में निकाल रहे हैं, एस वन इंटू एच वन। यहाँ पर रोजी एच वाला फॉर्मूला ना लगाकर हम कौन सा लगाएंगे, एस इंटू एच वाला, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है प्रेशर का, याद रखिएगा आप ये वाला, ऊंचाई के पदों में जब लेते हैं तो। ये तो हो गया ए पॉइंट पर प्रेशर यानी लेफ्ट लिंब में, तो इतना हो गया बराबर। अब राइट लिंब में प्रेशर बताइए, राइट लिंब में, राइट लिंब में बी पर जो प्रेशर था वो होगा पी वी, राइट लिंब में कितना होगा पी वी होगा प्रेशर। इसको इस साइड ले आओ, तो यहाँ से हम पी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी ए बराबर क्या आएगा, पी बी माइनस में एस वन एच वन, माइनस में एस वन एच वन, ये ए पर आ गया प्रेशर ए पर। अब आप किसी पर भी पूछे, अगर आपसे बी पर पूछेगा तो एस एल साइन थीटा लगाएंगे, ए पर पूछेगा तो पी बी की वैल्यू एस एल साइन थीटा माइनस में एस वन एच वन, ठीक है ये वाली वैल्यू। मुझे इतना बता दीजिए, क्लियर है सभी को दोनों फॉर्मूले ये। अब इन फॉर्मूलों पर बेस्ड, हालांकि क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा पूछा है, इस बी पर कितना प्रेशर इंटेंसिटी होगी उसे निकालो, तो एक न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में दे रखा है, मैं उसे और सॉल्व कर देता हूँ, इसी पर बेस्ड है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ और अच्छे से। आप इसके फॉर्मूले नोट कर लीजिए प्लीज करके, है ना, और इसका विशेष ध्यान दें, यहाँ पर जो प्रेशर निकलता है ना पानी की ऊंचाई के पौधों में, ये mm में निकलेगा या फिर बेटा मीटर में निकलता है, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं निकलेगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा आप, क्लियर हो गया। अब इसको हटाते हैं और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, लिखा है इसमें एक आनत नलिका द्रव दाब मापी, मतलब इंग्लिश में वही कहेंगे इसको, इनक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर है यहाँ तक, कि नत नलिका का क्षैतिज से झुकाव 16 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, किसकी थीटा की वैल्यू दे रखी है 16 डिग्री, और कुछ नहीं कहा, ये जो थीटा है ना इसकी वैल्यू आपको 16 डिग्री दे रखी है। ये डायग्राम पहले वाला ही है, मैंने अलग से क्वेश्चन के साथ नहीं देगा इसको, सिर्फ समझाने के लिए मिटाया नहीं है इसको मैंने। अब कह रहा है इसमें 14.6 आपेक्षिक गुरुत्व वाला द्रव भरा है, जो आपकी वाली अनंत नलिका है ना इसमें जो द्रव भरा है, इसमें एस की वैल्यू दे दी आपको, स्पेसिफिक आपेक्षिक गुरुत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस बराबर दे रखा है कितना 14.6, ठीक है। आगे पढ़िए क्या बोला है, इसे एक पाइप में प्रयोग किया जाता है यदि दाब मापी की नत नली में द्रव की लंबाई 90 mm हो। नत नली यही वाली तो है हमारी, इनक्लाइंड ट्यूब ये है, इसमें जो द्रव की लंबाई है एल बराबर 900 दे रखा है आपको, लंबाई लेंथ दे रखा है एल बराबर 90 mm दे रखा है। तो कह रहा है बेसिन के द्रव तल पर, बेसिन का द्रव तल ये है, इस पर पाइप के द्रव द्वारा कितना दाब लगाया जाएगा, ये पाइप का जो द्रव है इसके द्वारा इस पर कितना दाब लगाया जाएगा हमें ये निकालना है, डेट मीन्स हमें बी पर निकालना है प्रेशर, यही तो हुआ। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बेसिन
के द्रव तल पर दाब निकाल रहे हैं, और किस में निकाल रहे हैं, पानी की ऊंचाई के पदों में। वही फॉर्मूला हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब ये ऊंचाई के पदों में है ना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बराबर कीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या बताया था आपको फॉर्मूला, एस इंटू एच होता है फॉर्मूला, एस इंटू एच, एच की जगह पर क्या आया था हमारा, एल साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला था। एस की वैल्यू रखिए यहाँ पर, और ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या, पानी की ऊंचाई के पदों में, ऊंचाई के पदों में, पानी की ऊंचाई के टर्म्स में हम इसे निकाल रहे हैं। एस की वैल्यू 16.6 × 14.6 × एल की वैल्यू 90 mm में, अभी mm ही आएगा ये। साइन थीटा की वैल्यू 16 डिग्री। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा, कैलकुलेटर में टाइप कर दीजिए क्या क्या वैल्यू है, 14.6 × 90 × मैं साइन के साथ 16 लिख दीजिएगा, इक्वल कर दीजिए 362.187। इतना आ गया mm में, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई के पदों में है, यूनिट mm आएगी, s की तो कोई यूनिट नहीं, l mm में था, तो ये भी mm में आ गया। अब ये तो हमारा क्या आ गया, पानी की ऊंचाई के पदों में आ गया, बट अगर हम इसमें प्रेशर इंटेंसिटी बताएं, जो हमारी पास्कल में होती है, वो क्या आएगी, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, बेसिन के द्रव तल पर दाब तीव्रता, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होगी, दाब तीव्रता। तो दाब तीव्रता हम सब जानते हैं, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, यही होता है ना दाब तीव्रता का फॉर्मूला, रो जी एच। इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो पी बराबर क्या आएगा यहाँ से, पी बराबर रो की वैल्यू, अब यहाँ पर चूंकि ये पानी की ऊंचाई के पदों में वैल्यू आई है, तो हम पानी का ही रो लेंगे यहाँ पर, पानी की डेंसिटी 1000 होती है, इंटू जी की वैल्यू 9.81, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये जी होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये भी केजी पर मीटर क्यूब में, तो मीटर वाली वैल्यू लेंगे एच की। ये जो वैल्यू आई है एमएम में, ये एच हाइट ही तो है, हाइट के पदों में आई है वैल्यू ये हमारी, एमएम को बस मीटर में चेंज कर दीजिएगा इसको, तो 362.187 को 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा मीटर में हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन मीटर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू मिल गई हमें, अब ये किस में मिल गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमने ये भी हमारा, ये किस में हमारा, ये केजी पर, ये हमारा केजी पर मीटर क्यूब में है, ये हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, यानी सारी की सारी हमने यूनिट एसआई यूनिट पुट की है, तो प्रेशर की भी यहाँ पर हमें एसआई यूनिट मिलेगी, जो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब देखो 1000 से 1000 कैंसिल, इन दोनों का गुणा कर लो, यहाँ से आपको पास्कल में आंसर आ जाएगा, करके दिखाते हैं। देखो 9.81 × में 362.187 इक्वल कर दिया, ये आ रहा है 3553.05, इतना आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं, पास्कल में आ गया। अगर किलो पास्कल में लिखना चाहें तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3.55 किलो पास्कल, ये आंसर हो गया, ठीक है। प्रेशर की इंटेंसिटी आ गई, कितना आ रहा है 3.55, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी की ऊंचाई के पदों में निकाल लेंगे वैल्यू, यानी h की वैल्यू आई है ये हमारी, एक्चुअल में क्या है ये जो वैल्यू आई है h की वैल्यू आई है, h की वैल्यू। अब यहाँ तीव्रता का फॉर्मूला लगाना, दाब तीव्रता का रो जी एच, रो की वैल्यू पानी वाली रखना, पानी की ऊंचाई के पदों में h की वैल्यू थी है, तो पानी की डेंसिटी सबको याद है 1000, g की वैल्यू सबको याद है, h की वैल्यू ये जो निकल के आई है इसको रखना है, बस मीटर में लेना है, यहाँ पर ध्यान इतना देना है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट करा दिया एक क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए अच्छे से। तो अब आपका मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर के सारे टाइप हो गए कवर, अब चलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की ओर, ठीक है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर की ओर मूव करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब समझ लेते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ऐसा मैनोमीटर जो प्रेशर में डिफरेंस बताएगा। डिफरेंस कब बताएगा, जब दो अलग अलग पॉइंट के बीच में हमें प्रेशर मेजर करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं ना,
वे किसी भी पाइप के या तो एक ही पाइप के दो अलग अलग बिंदुओं पर या फिर दो अलग अलग पाइप के बिंदुओं पर, ये प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है, मतलब दाब अंतर को ये ज्ञात करता है जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। और इसका जो प्रिंसिपल है बिल्कुल सिंपल मैनोमीटर के जैसा ही इसका प्रिंसिपल है। उसमें भी हमने क्या किया था, लिक्विड कॉलम को इक्विलिब्रियम में रख करके फॉर्मूला डेराइव किया था। यहाँ भी सेम वही प्रिंसिपल लगेंगे हमारे। पहले एक बार आप इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, आपको रीड करते ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए पढ़िए क्या लिखा है इसमें, भेददर्शी दाबमापी किसी एक ही पाइप के दो स्थानों पर या दो विभिन्न पाइपों के बीच में दाब के अंतर को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। किसके लिए, दाब के अंतर को। यानी यहां पर कहने का मतलब यह है, जैसे मैंने दो अलग अलग पाइप बना दिए, एक पाइप ये है सपोज, दूसरा पाइप ये है, यहां पर भी कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और यहां पर भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। सपोज इसका यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर मान लो पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें दाब में अंतर बताना है कितना होगा, तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा देंगे। अब ये डिफरेंशियल मैनोमीटर अलग अलग शेप के होते हैं, मेनली जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं ज़्यादातर। तो यू शेप का लगाएंगे आप, तो क्या करेंगे, एक सिरा तो आप इधर कनेक्ट कर दीजिए इधर, दूसरा सिरा इधर कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। फिर इसकी शेप सपोज यू शेप का है तो यू शेप का इस तरह से बना दीजिए। यूँ आपको दिखाएंगे डिटेल में बना के, सिर्फ अभी इसकी थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये एक ट्यूब हो गई, और ये ट्यूब भी कैसी होती है, कांच की ही ट्यूब होती है। जैसे सिंपल मैनोमीटर में कांच की ट्यूब थी ना, इसमें भी डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी ये कांच की ही ट्यूब रहेगी। और वहाँ पर भी हमने इसके अंदर एक लिक्विड भरा था, यहाँ भी एक लिक्विड भरा होता है, और जो लिक्विड इसके अंदर भरा होगा वो हैवी लिक्विड होता है। हैवी मतलब भारी होता है, भारी द्रव इसके अंदर भरा रहता है, जिसे मरकरी कह सकते हैं आप एग्जांपल के लिए। जो मैनोमीटर फ्लूड होता है हमारा मरकरी होता है, तो इसके अंदर भी मरकरी टाइप से भरा रहता है, ठीक है। तो अब आगे पढ़िए आप, क्या भेददर्शी दाबमापी किसी एक ही पाइप के दो स्थानों पर या दो विभिन्न पाइपों के बीच दाब के अंतर को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये दाबमापी केवल दाब में अंतर को ही बताते हैं, मतलब ये केवल दाब में डिफरेंस ही बताएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बताते। भेददर्शी दाबमापी कांच की यू आकार की एक नली होती है, हालांकि यहाँ पर केवल यू आकार की नली कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पीजोमीटर जो होता है उसमें यू आकार नहीं बनता है। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं मेनली यूट्यूब वाले डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज किए जाते हैं, पीजोमीटर का यूज बहुत कम करते हैं, बहुत कम मात्रा में। फिर भी जब तीनों टाइप है, लेकिन आपको जब बेसिक सी डेफिनेशन या ये पूछेगा डिफरेंशियल मैनोमीटर पर टिप्पणी लिखिए, तो आप यू शेप वाला ही लिख के आएंगे, ठीक है। क्या कि भेददर्शी दाबमापी कांच की यू आकार की एक नली होती है, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, यू आकार की नली होती है जिसमें भारी द्रव भरा रहता है। इसके अंदर भारी द्रव भरा हुआ है, इसके दोनों सिरे उस स्थान से जुड़े होते हैं जहाँ पर दाब अंतर ज्ञात करना होता है। दोनों सिरे कहाँ जुड़े हैं, जहाँ पर हमें दाब अंतर ज्ञात करना है वहाँ पे हमने दोनों सिरे इसके जोड़ दिए। जबकि सिंपल मैनोमीटर में क्या होता था, एक सिरा जोड़ते थे, दूसरा वाला सिरा खुला रहता था ऊपर वायुमंडल में, ठीक है। हालांकि पीजोमीटर में होगा, यहाँ पर हम दो अलग अलग ट्यूब लगाएंगे पीजोमीटर में, टू पीजोमीटर ट्यूब, तो वहाँ पर एक सिरा तो दोनों ट्यूब का पाइप से कनेक्ट रहेगा, दूसरा वाला वायुमंडल में खुला रहेगा। लेकिन जो यूट्यूब वाला होता है ना, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसमें दोनों सिरे ही पाइप से कनेक्ट रहते हैं और वहाँ पर कनेक्ट रहते हैं जहाँ पर हमें प्रेशर का डिफरेंस मेजर करना होता है। सेम चीज़ को यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे रीड कर लीजिए इसको। डिफरेंशियल मैनोमीटर आर डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए पाइप और इन टू डिफरेंट पाइप्स। यानी या तो क्या, या प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है ये किसमें, एक ही पाइप के दो बिंदुओं में या फिर दो अलग अलग पाइप में, ठीक है। आगे लिखा है, इन कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब कंटेनिंग ए हैवी लिक्विड। ये क्या करता है, इसमें एक हैवी लिक्विड ये कंटेन करता है, मतलब इसके अंदर भरा होता है, हुज टू एंड्स आर कनेक्टेड टू द पॉइंट्स हुज डिफरेंस प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। यानी इसके जो दो एंड होते हैं, दो सिरे होते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं उन बिंदुओं से जहाँ पर हमें प्रेशर का डिफरेंस मेजर करना होता है। उम्मीद है आप लोग थ्योरी को पढ़ के इजीली लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। ये तो थ्योरी थी इसकी, अब इनके फॉर्मूले जो हम डेराइव करेंगे वो डेराइव करेंगे इसके टाइप्स की हेल्प से। ये तीन अलग अलग टाइप के हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। टू पीजोमीटर, ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता, सिंपल केवल थ्योरी है।
आपको 2 मिनट में लिख के समझा देंगे। इन दोनों पर न्यूमेरिकल बनते हैं, इसीलिए इनके हम फॉर्मूले भी डेराइव करेंगे, मतलब फॉर्मूले भी समझेंगे अच्छे से। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, इस चैप्टर में जो आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेशर चल रहा है ना, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल इस तरह की शेप के आते हैं। या तो आपको कहेगा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर पर न्यूमेरिकल आएगा, या सिंपल मैनोमीटर पर जो यूट्यूब शेप का था, यानी यू शेप का जो ट्यूब था उस पर न्यूमेरिकल पूछता। तो न्यूमेरिकल को भी आप जरूर तैयार कर रहे हैं साथ में थ्योरी के साथ साथ, ठीक है। थ्योरी तो स्टार्टिंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसकी, जैसे प्रेशर में डिफरेंट जो अलग अलग टाइप के हमने प्रेशर पढ़े थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था हमने, गेज प्रेशर पढ़ा था, एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ा था, उन सब की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी इसके प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट थे, और ये जो मैं डिवाइस आपको पढ़ा रहा हूँ इनको भी रीड कीजिएगा, बट साथ में न्यूमेरिकल जरूर लगाएं प्लीज़ आप लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो अब तक पिछले लेक्चर्स में हमने जो न्यूमेरिकल किए थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज के इस लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल साथ साथ कर रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इसी सिंगल लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे जितना इसका बचा हुआ पार्ट था, ताकि हम कल से नए चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर पाएं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर रफ करके हम इसको एक एक करके समझते हैं इसके सभी टाइप्स को, ठीक है। देखिए समझ लेते हैं, सबसे पहला टाइप टू पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी दो पीजोमीटर नली भेददर्शी दाब मापी। अब पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आप थ्योरी इजीली लिख पाएंगे, सब कुछ डायग्राम की हेल्प से ही लिखा गया है इसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या है, टू पीजोमीटर ट्यूब होनी चाहिए, तो हमारे पास दो पीजोमीटर ट्यूब हैं, एक तो ये हो गई हमारी पहली पीजोमीटर ट्यूब, दूसरी ये हो गई, दो पीजोमीटर ट्यूब हो गई ये, जिन्हें हमने ये पाइप था कोई भी, इस पाइप के दो अलग अलग पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, एक तो पॉइंट ए पर लगा दिया एक ट्यूब को, और दूसरी ट्यूब को पॉइंट बी पर लगा रखा है, और इनके जो दूसरे वाले सिरे हैं इनको ऊपर वायुमंडल में खुला हुआ छोड़ दिया है। इतना सभी को समझ आ रहा है। अब होगा क्या, ये पाइप है नीचे, इस पाइप में से जो लिक्विड है ऊपर ऐसे राइज करेगा। सपोज जो पहली वाली पीजोमीटर ट्यूब थी, इसमें इस पाइप के सेंटर से, बीच में पाइप का सेंटर है, पाइप के सेंटर से H1 हाइट तक ये लिक्विड राइज कर गया, और दूसरे वाले पीजोमीटर ट्यूब में इस पाइप के सेंटर से और H2 हाइट तक लिक्विड राइज कर गया। अब इस जो आपका ये पाइप था, इस पाइप के पॉइंट ए और बी के बीच में अगर हम प्रेशर में डिफरेंस बताएं, तो आप ये बताइए जब ये राइज किया तो इसका लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया यहाँ पर, और इसका लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इनके लेवल में डिफरेंस कितना, ये एच ही तो डिफरेंस है इनके लेवल में, यानी ये पॉइंट पर जो लेवल है वो कहाँ पहुँच गया आपका, यहाँ आ गया, और बी पॉइंट वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना, ये एच डिफरेंस है, ये कैसे निकलेगा, सेंटर से ऊपर तक H1 है, सेंटर से यहाँ तक H2 है, तो इस H1 में से अगर H2 को माइनस कर देंगे तो हमें H मिल जाएगा। तो ये हमारा H किसको दर्शा रहा है, ये ऊंचाई के पदों में ताप के अंतर को दर्शा, सॉरी दाब के अंतर को दर्शा रहा है, ये प्रेशर के डिफरेंस को यहाँ पर शो कर रहा है ये, ठीक है। अब यही हमने सेम टू सेम थ्योरी में लिखा है, आप रीड कर लीजिए इसको, देखिए क्या लिखा है, इस दाब मापी में दो नलियों को उन दो बिंदुओं पर जोड़ा जाता है जहाँ दाबांतर ज्ञात करना है। कितनी नली है, नली मतलब ट्यूब, दो ट्यूब को हमने दो बिंदुओं पर जोड़ दिया जहाँ पर हमें दाबांतर ज्ञात करना है। देख लीजिए हमने एक ट्यूब ये होगी, दूसरी ये होगी, दोनों को इन दोनों बिंदुओं पर जोड़ दिया जहाँ पर हमें दाबांतर ज्ञात करना था, ठीक। आगे लिखा है इनके दूसरे सिरे वायुमंडल में खुले रहते हैं, ऊपर वाले सिरे वायुमंडल में खुले हुए हैं, ठीक है। आगे लिखा है इसमें नलियों में चढ़े द्रव शीर्षों को मापा जाता है, इन नलियों में जो द्रव का शीर्ष है हम इसको मेजर कर लेते हैं, जैसे ये H1 हो गया, इसके लिए ये H2 हो गया, ठीक। अब चित्र के अनुसार ये नलियां किसी पाइप के दो बिंदुओं A तथा B पर लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं A और B पर लगी हुई हैं। आगे लिखा है यदि बिंदु A पर नली में द्रव की ऊंचाई पाइप के केंद्र से H1, देख लीजिए पाइप के केंद्र से कहाँ तक है H1, तथा बी बिंदु पर नली में द्रव पाइप के केंद्र से H2 ऊंचाई तक चढ़ जाता है, बी बिंदु में कितना चढ़ गया, सेंटर से H2 ऊंचाई तक चढ़ जाता है, तो A तथा B पर दाबांतर, दाबांतर कितना आ गया बेटा, H बराबर H1 माइनस H2, बिल्कुल सिंपल, ये द्रव की ऊंचाई के पदों में है। अगर हमें प्रेशर के टर्म में बताना हो तो हम कह सकते हैं, चूंकि हमारा P बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर रो जी एच होता है, पढ़ा है हमने रो जी एच, तो अगर हम यहाँ से H निकालेंगे तो H बराबर क्या आएगा, पी अपॉन रोजी आएगा ना, आएगा पी अपॉन रोजी, तो हमने ये लिख दिया H1 था तो P1 अपॉन रोजी, ये H2 है तो P2 अपॉन रोजी। अब चूंकि पाइप में एक ही तरह का लिक्विड फ्लो कर रहा है
तो ये लिक्विड और ये लिक्विड दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी हमने सेम ले रखी है रो, यहाँ भी रो। क्लियर है सभी को ये? तो ये 2 पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर था। मुझे लगता है आप इसे इजिली एक बार और रीड करेंगे तो आप समझ लेंगे बहुत अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजिली इसे कर पाएंगे। अब जो अगला हम करेंगे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले की ओर मूव करते हैं। चलिए समझते हैं अब यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी यू नली वेद दर्शी द्रव दाब मापी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर वेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पर वेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है? एक तो अगर इसकी थ्योरी की बात करें, थ्योरी तो बहुत सिंपल सी है। ये क्या है, नाम से पता चल रहा है यूट्यूब, यूट्यूब मतलब यू शेप की एक ट्यूब होगी, ट्यूब मतलब नली होगी। अब इस नली में क्या कर रखा है, जैसे देखिए एक तो पाइप ये है, दूसरा पाइप ये है, इस इन दो पाइप के दो अलग अलग बिंदुओं पर हमने क्या किया, इस यू नली के दोनों सिरों को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है? और कहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, जहाँ पर हमें ए और बी इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर में डिफरेंस बताना होगा, वहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। तो थ्योरी तो सिंपल सी, आप इसे रीड कर लीजिएगा, उससे ही क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला इसका निकाल के दिखाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रटना नहीं है आपको, वो जस्ट डेराइव करेंगे हम, दो लाइन में निकल के आ जाएगा फॉर्मूला, समझिएगा ध्यान से। फिर भी एक बार इस थ्योरी को रीड कर लीजिए। लिखा यू नली द्रव दाब मापी की दोनों भुजाओं के सिरों को किसी पाइप में दो अलग बिंदुओं पर जोड़ दिया जाता है, जहाँ दाब ज्ञात करना होता है। आप समझ पा रहे हैं, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, इन दोनों पर ही तो हमने जोड़ा है, क्योंकि इन्हीं पर हमें प्रेशर को मेजर करना है। तो यह यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर बन जाता है। कांच की यू नली में कोई भारी द्रव यानी पारा आदि भरकर दो बिंदुओं में दाबांतर मापने के काम में आता है। ये इसकी सिंपल सी थ्योरी है, बट इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो हम निकालेंगे अभी, ठीक? अब डायग्राम को ध्यान से समझिए। इस पाइप ए में कोई एक लिक्विड है, पाइप ए जो पाइप है आपका, इसमें कोई एक लिक्विड था जिसकी डेंसिटी रो वन है। हम कह सकते हैं पाइप ए की डेंसिटी रो वन, पाइप ए के द्रव की डेंसिटी, ठीक है? यहां लिख दें, यहां लिख दे रहे हैं पाइप ए के द्रव का घनत्व, डेंसिटी मतलब बेटा घनत्व होता है, ठीक है? का घनत्व यानी इंग्लिश में डेंसिटी कह सकते हैं आप, डेंसिटी, डेंसिटी कितना है, वो रो वन है, ठीक? रो वन। ऐसे ही आप क्या लिख देंगे आगे, इसी तरह से आप आगे लिख सकते हैं, इसमें आगे लिख लीजिएगा। ये तो रो वन के बारे में हो गया। दूसरा पाइप बी, पाइप बी के द्रव का घनत्व, पाइप बी के द्रव का घनत्व क्या हो जाएगा, रो टू, रो टू हो गया। एंड नीचे हमारा यहाँ पर ये भारी वाला द्रव भरा हुआ है, भारी द्रव, या तो आप इसको कह दीजिएगा भारी द्रव, भारी द्रव, या कह दीजिएगा इसमें ब्रैकेट में पारा, पारा मतलब मरकरी का घनत्व, भारी द्रव देगा आपको, या फिर पारा कुछ भी, इसका घनत्व आपने मान लिया रो थ्री है। ये तीनों तो डेंसिटी हो गई इनकी, ठीक है? अब यहाँ पर H1, H1 क्या है आप देख पा रहे हैं, H1 यहाँ पर आपको स्पष्ट है, H1 क्या है, ये H1 है जो पारे का ऊपर वाला तल है ना, इस पारे के तल से लेकर के और केंद्र A तक की दूरी, ठीक है? पारे के ऊपरी तल से, ऊपरी तल से केंद्र A की दूरी, ए की दूरी बराबर एच वन, ठीक है? ऐसे ही पारे के ऊपरी तल से केंद्र बी की दूरी, पारे के ऊपरी तल से केंद्र बी की दूरी, केंद्र बी की दूरी कितनी है, एच टू। ये भी समझ आ रहा सभी को? अब ये एच क्या है, फिर पारे का ये नीचे वाला तल है, ये ऊपर वाला तल है, तो पारे के तलों में अंतर है, ये पारे के तलों में, तल मतलब लेवल बेटा, लेवल, इस लेवल, इस लेवल, ठीक है? लेवल में अंतर, इनके लेवल में कितना अंतर है, ये एच है, ये इसकी दूरियां और डायमेंशंस हो गई। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है
ये बिल्कुल सिंपल मैनोमीटर के प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। सिंपल मैनोमीटर का प्रिंसिपल हमने आप सबको पढ़ाया था, क्या था सिंपल मैनोमीटर का प्रिंसिपल, कि राइट वाले यानी लेफ्ट लिंब में प्रेशर बराबर राइट लिंब में प्रेशर। लिंब मतलब आप भुजा कह सकते हैं या कॉलम कह सकते हैं, यानी राइट वाली भुजा में जितना प्रेशर होगा उसको बराबर रख देते हैं हम लेफ्ट वाले कॉलम, जिसमें कॉलम में जितना प्रेशर होगा उसके। ये चीज़ समझ पा रहे हैं सभी? तो इसका थ्योरी पार्ट एक बार ही आप नोट कर लीजिए, अब मैं इसको रफ करके इस फॉर्मूले को आपके सामने डेराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए हटा दें इसको, लिख लिया होगा उम्मीद है सभी ने। अब इसका फॉर्मूला एक बार ही आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फॉर्मूले वाला, यही आपको एग्जाम में काम आने वाला है। रटना किसी को नहीं है फॉर्मूले को, जस्ट ऐसे ही एग्जाम में करके आएंगे आप एज ए डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रेशर इन इस साइड का लेफ्ट, या तो लेफ्ट कॉलम कह दो या लेफ्ट लिंब कह दो, लिंब मतलब बेटा भुजा होती है, ठीक है, या लेफ्ट कॉलम बोल सकते हैं आप। तो लेफ्ट कॉलम में, सॉरी, कोई बता सकता है कितना प्रेशर होगा? ए पॉइंट पर प्रेशर पी ए, ए पॉइंट पर प्रेशर बेटा पी ए प्लस यहां से लेके यहां तक की हाइट एच वन है, तो रो, रो कितना है यहां पर, रो वन है, रो वन जी एच वन, बोलिए क्लियर इतना। इसके बाद आप देख पा रहे हैं नीचे यहां से यहां तक, क्योंकि हमें तो यहां तक आना है, बेस लाइन हमारी ये है बेटा, ये बेस लाइन, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए भी तो ऊपर हो गया, सी डी बोल दीजिए कुछ भी, या एक्स एक्स बोल दे रहे हैं हम अभी के लिए, एक्स एक्स, हमें ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन तक लेना है हमें, यहाँ तक बेस लाइन तक प्रेशर। तो बेस लाइन तक अगर आप देखेंगे तो देखो ये पूरा फ्लूड यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टाइप का ही फ्लूड है। तो अगर हम बेस लाइन तक की हाइट देखें तो ये तो एच वन है और नीचे ये वाला क्या है, यहाँ पर एच है। यहाँ पर हमने दोनों पाइप को अलग अलग हाइट पर लिया है, मैं आपको सेम हाइट पर लेके अभी दिखाऊंगा, दोनों तरह के हम फॉर्मूले डेराइव करेंगे। ये ऊपर ले रखा है पाइप, ये नीचे है, एक क्वेश्चन हम ऐसा भी करेंगे जिसमें ये पाइप और ये पाइप दोनों बराबर हाइट पे होंगे, या तो इसको यहाँ बना लीजिएगा या इसको ऊपर इसके सीध में बना दीजिएगा। अभी दोनों अलग अलग हाइट पर हैं, तो हम इस ए पॉइंट से बेस लाइन तक अगर जाएंगे तो कितनी हाइट है बेटा, ये आपका देखो यहाँ तक तो आपने ले लिया रो वन जी एच वन, अब मैं यहाँ पर लूँगा रो वन जी एच, ये वाली हाइट एच, तो मैं एक ही साथ ले ले रहा हूँ इस हाइट को रो वन, क्योंकि ये पूरा लिक्विड तो सेम ही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिक्विड सेम है, तो हमने इसकी डेंसिटी रो ले ली, जी ले लिया, और हाइट लीजिए बेस लाइन तक की हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से और नीचे तक एच वन और प्लस एच, कितना बेटा ये एच वन प्लस एच, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी एच वन एच की वैल्यू। ये हमारा इसमें आ गया, किसमें, लेफ्ट लिंब में आ गया प्रेशर की वैल्यू। इतना सभी को क्लियर है? और तो कुछ प्रेशर है नहीं लेफ्ट साइड में, अब आ जाओ राइट में, राइट में प्रेशर इन राइट लिंब में कितना प्रेशर होगा राइट साइड में, देखो एक तो बी पॉइंट पे होगा प्रेशर, इसको पी वी कह देंगे, पी बी प्लस में। अब देखो यहाँ से बेटा एच टू हाइट तक तो लिक्विड अलग टाइप का है, और इस एच हाइट तक लिक्विड अलग टाइप का है, तो इसमें अलग अलग लगाएंगे आप रो, यहाँ पर रो कितना है इस वाले का, रो टू है, रो टू जी, रो टू की हाइट बेटा कितनी है एच टू है, रो टू जी एच टू प्लस में, फिर ये एच हाइट का अलग तरह का फ्लूड है जिसकी डेंसिटी रो थ्री है, तो यहाँ रो थ्री जी और नीचे हाइट एच थी, ये वाला आएगा निकल के। ये सभी को समझ आ रहा है भाई? इसमें हमने अलग अलग क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक सेम टाइप का ही फ्लूड था, और वेस लाइन हमारी एक ऐसी लाइन होती है जहाँ से नीचे बिल्कुल सेम टाइप का लिक्विड हो, इधर भी सेम टाइप का है, तो यहाँ नीचे तो लेने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर हमने वेस लाइन खींच ली, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट लिंब में निकाल दिया, राइट लिंब में निकाल दिया, अब लिख दो इन इक्विलिब्रियम बेटा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर रख दीजिए, पी ए प्लस में रो वन जी एच वन प्लस एच बराबर पी बी प्लस में रो टू जी एच टू प्लस रो थ्री जी एच, क्लियर। पी बी को इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड, तो यहाँ से आ गया पी ए माइनस पी बी, जो हमें निकालना था बेटा पी ए माइनस पी बी ही निकालना था, ए और बी के दाब में अंतर निकालना था डियर, ये निकल आएगा, इसको इस साइड ले आओ, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये तो हो गया पी टू, सॉरी रो टू जी एच टू प्लस में रो थ्री जी एच, और माइनस में ये वाली वैल्यू क्या है,
रो वन जी एच वन प्लस एच। अब देखिए मैंने क्यों समझाया आपको इस तरह से, ये बच्चे क्या करते हैं अक्सर इन्हें रटने की कोशिश करते हैं। कब तक रटेंगे भाई, इसको रटना नहीं है आपको, सिंपल एग्जाम में वैसे ही करना। लेफ्ट कॉलम में जितना प्रेशर है बराबर रख दीजिएगा राइट कॉलम के, ऑटोमेटिक आपको पी ए माइनस पी वी निकल जाएगा। हमें मेनली ये निकालना था, तो अभी के लिए तो आप इसको लिख लीजिए, बट एग्जाम में आप इस तरह पूरा सॉल्व करके आइएगा तभी आप कर पाएंगे। अगर आप इसको रटने बैठ के तो भूल जाएंगे कहाँ पर रो थ्री था, कहाँ पर रो टू था, एच वन एच टू कहाँ था। ये हाइट आपको मेंशन कर रखी होंगी एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी हाइट दे रखी हो आपको वो करना है, मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। आज चाहे लेक्चर आपका ये डेढ़ घंटे का क्यों ना हो जाए, पूरा कवर कराएंगे आपको, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये तो आपका हो गया, ऐसा नोट कर लीजिए। मैं इसका बी वाला पार्ट कर देता हूँ, ये ए पार्ट करके डायग्राम बनाइएगा। ये ए हो गया, इसका बी और कर लेते हैं। बी में क्या करते हैं, इसको सेम हाइट पे ले लेते हैं। इस वाले पाइप को भी ऊपर ले जाइए या फिर इसको नीचे ले आइए, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटाइए, इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आइए यहाँ पर, ठीक है बेटा। बिल्कुल सीध में बना लेते हैं, अब इसको मिटा दीजिए, मतलब बराबर हाइट पर देखते हैं अब। सही से बनाइएगा प्लीज करके, ठीक है। यस मे बी समथिंग सेम है, ठीक है कह सकते हैं। इस तरह से ही बन रहा है ना, मतलब यहाँ पर मेरा कहने का ये बेटा कि अब आपका ये सेम हाइट पर बना दिया हमने, जितनी ऊंचाई पर ये है, थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। ये कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, बराबर ऊंचाई पर है ये, जितना ये है जितनी ऊंचाई उतनी ऊंचाई ये है। अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। लो अभी मुझे लगता आप सही है, फिर भी मतलब कहने का ये वाली हाइट सेम है, इसकी और इसकी दोनों की हाइट सेम है बिल्कुल, इनको आप सेम समझें, ठीक है। अगर नहीं भी देखने में लग रहा है तो इनको सेम समझिएगा आप। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये मैंने अलग अलग हाइट ना लेके बराबर ऊंचाई पे ले लिए दोनों। इसकी डेंसिटी कितनी थी, इसकी डेंसिटी रोबन थी, रोबन। अब आपका ये दूसरा वाला सेकेंड वाला हो गया, इस डायग्राम के लिए फॉर्मूला डराइव करके दिखाइए। तो ये तो और आसान हो गया, ये तो और भी आसान हो गया, देखिए कैसे। प्रेशर इन लेफ्ट लिंब, बेटा लेफ्ट लिंब में देखो कितना प्रेशर होगा। ए पॉइंट पर तो हो गया पी ए प्लस में, ये तो हो गया पी ए प्लस में। इसके बाद देखिए इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से लेके ये सेंटर, बेटा दोनों सीध में है बिल्कुल बराबर हाइट पे। सेंटर से लेके बेस लाइन तक की हाइट कितनी है, ये पूरा सेम टाइप का फ्लूड है, तो क्या आएगा एच टू प्लस एच। यहाँ से नीचे तक की हाइट क्या है, एच टू प्लस एच ही तो है, तो कह देंगे रो वन जी एच टू प्लस एच। अब इसको एच टू क्यों मान रहे हैं, एक ही मान लो, सिर्फ एच वन मान लो, टू तो है ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी टू की, तो वन लिख लो सिर्फ। ये हाइट क्या मान ली हमने, एच वन, ठीक है बेटा। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम हाइट थी, तो एच वन प्लस एच हो गया। ये बताइए लेफ्ट वाला प्रेशर सभी को समझ आ गया, लेफ्ट साइड में कैसे निकाला है, एक बार फिर रिपीट करें। ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, पी ए होगा। अब इससे नीचे यहाँ तक इस कॉलम में प्रेशर कितना होगा, तो ये पूरा फ्लूड सेम है यहाँ तक, तो रो वन जी और इसके सेंटर से नीचे तक की हाइट एच वन प्लस एच, ये हो गया लेफ्ट में। अब राइट में देख लीजिए, राइट में कितना प्रेशर आएगा, प्रेशर इन राइट लिंब, राइट लिंब में क्या होगा, तो बी पॉइंट पे होगा प्रेशर पी वी प्लस में। देखिए यहाँ से यहाँ तक एच वन हाइट तक का तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा रो टू का है ये, रो टू जी एच वन प्लस में। ये वाला अलग टाइप का फ्लूड है, इधर तो था नहीं अलग टाइप का फ्लूड, तो इसलिए हमने पूरी हाइट सेम ली थी। यहाँ पर ये अलग टाइप का फ्लूड है, तो इसकी हाइट अलग कंसीडर करेंगे, डेंसिटी रो थ्री जी और ये एच। क्लियर है इतना, दोनों निकल के दोनों को इक्वल कर दो, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर तो है पी ए प्लस में रो वन जी एच वन, एच वन प्लस में एच, ठीक है, बराबर इधर पी वी प्लस में रो टू जी एच टू प्लस रो थ्री जी एच। अब यहाँ से पी वी को इधर ले जाओ, इस पी ए को इधर ले आओ, सॉरी इसको रो वन वाले को इधर ले आओ, तो पी ए माइनस पी वी
बराबर ये कितना रो टू जी, ये एच टू कहाँ से लिख दिए, एच टू तो था ही नहीं कहीं, एस वन था ना, ये एच वन था, रो टू जी एच वन प्लस में रो थ्री जी एच माइनस में ये वाला इधर रो वन जी एच वन प्लस एच, ये आ गया निकल के। बोलिए क्लियर है, मतलब कहने का ये है इस बार हाइट हमने सेम ले ली, ये वाली हाइट यहाँ तक की एच वन, ये भी इधर एच वन था जबकि उधर अलग अलग थे एच वन एच टू, तो उस केस में इस तरह से कर देंगे सॉल्व। कर सकते हैं इसको सभी लोग, क्लियर है सबको भाई ये, तो मुझे लगता है आप कर लेंगे। इसके एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए, और हमारे पास इसके एक दो दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके, इन दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर इन्वर्टेड वाला केस देखेंगे, और इन्वर्टेड का भी एक न्यूमेरिकल है हमारे पास उसे करेंगे, बल्कि दो हैं, तो देन आफ्टर आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर पूरी तरह से। तो अब इसके दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इन्वर्टेड देखेंगे, फिर उसके भी दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, तो लगभग अभी आपकी क्लास आधे घंटे तक और होगी, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। इसको नोट कीजिए, हटाते हैं अब इसको, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को, क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है एक यू नली भेददर्शी दाब द्रव दाब मापी दो बिंदुओं ए तथा बी से जुड़ा है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पर कह रहा है आपको कोई भी यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर दिया गया है जो पॉइंट ए और बी पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बोला है इसमें बिंदु बी पर वायुदाब 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ये जो बी पॉइंट है इसमें दो चीज है, क्या क्या, एक पानी है ऊपर वायु है, तो वायु का दाब आपको दे रखा है 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तब बिंदु ए पर दाब ज्ञात कीजिए, इस पॉइंट ए पर कितना प्रेशर होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो आपको ये वाला चित्र दिया जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में अगर ये एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे ध्यान से, हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। हम इस साइड से शुरू करते हैं, पॉइंट ए पर प्रेशर हमें नहीं दे रखा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर पहले गिवन डेटा लिख लीजिएगा आप लोग इस तरह से, गिवन डेटा, गिवन डेटा मतलब दिया है, क्या क्या दिया है, पहली चीज पॉइंट ए पर दाब, पॉइंट ए पर दाब, बेटा पॉइंट ए पर दाब को हम पी ए बोल दे रहे हैं, पी ए नहीं दे रखा, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक। इसके बाद नीचे आइए, इधर इधर आप देख पा रहे हैं ये तेल है, इसमें क्या है, तेल है, और तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है, एस का मान 0.9 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व कह देते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर तेल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दीजिएगा तेल, तेल का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी जिसे S बोल देते हैं, S बराबर 0.9 दिया है, तो मान लेंगे यहाँ पर तेल का जो घनत्व आएगा वो कितना आएगा, केवल घनत्व, ये तो आपेक्षिक घनत्व था, घनत्व की बात करें रो कितना आएगा, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो कितना आ जाएगा ये 900 आ गया केजी पर मीटर क्यूब में। यहाँ तक बोली क्लियर है। अब सपोज हम तेल के घनत्व को इसको रो वन मान ले रहे हैं, वन, जब रो वन मानना तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, इस तेल वाली जो ऊंचाई है तेल के तल की, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ये नीचे यहाँ पर पारा भरा हुआ, ये क्या है, पारा है, पारा मतलब मरकरी है, तो मरकरी के ऊपर वाले तल से और सेंटर ए तक की दूरी क्या है, ये लिख दीजिए यहाँ पर केंद्र, यानी पारे के ऊपरी तल से केंद्र ए तक की दूरी, इसको सपोज हम एच वन मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, एच वन, तो एच वन यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, एच वन दे रखा है 20 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा, 1000 से भाग कर देंगे इसमें, यहाँ तक क्लियर, सॉरी 100 से भाग कर देंगे इसमें, यहाँ तक क्लियर है। एच वन के बाद इसको देखिए, ये क्या है, ये आपका पारा था, यहाँ पर नीचे पारा भरा हुआ है बेटा, ये पारा लिखा है, ठीक, ये पारा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो ये जो पारा है ये पारे का नीचे वाला तल है और ये पारे का ऊपर वाला तल है, तो पारे के दोनों तलों के बीच का अंतर है, तो लिख दीजिएगा पारे के तलों का अंतर, ये थ्योरी की फॉर्म में इस तरह लिख के आइएगा गिवन डेटा, जिससे एग्जामिनर को पता रहे, इसे सब पता है ये सब चीज़ें क्या है। इसको आप सपोज H2 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, H2 बराबर कितना है, ये वाला 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर,
मतलब 0.10 मीटर कह देंगे इसे। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद इधर आ गया अपनी चाहिए पारा था, पारे का अपेक्षित घनत्व दिया है आपको, लिख दीजिए पारे का अपेक्षित घनत्व, पारे का अपेक्षित घनत्व S बराबर पारे के लिए कितना S, इसको S1 मान लीजिए, इसको S2 कह दीजिए। ये 13.6 दे रखा है, 13.6। यहाँ से हम पारे का घनत्व निकाल सकते हैं, पारे का घनत्व इसको हम रो 2 बोल देंगे। रो 2 कितना आ जाएगा 13.6 में गुणा कर दीजिए 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा 13600 kg per meter cube। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद ऊपर आ जाइए, ये क्या आपका, ये पानी है पानी और ये वायु है, तो हमें इस वाले में क्या दे रखा है, मैं वायु का दाब दिया है, वायु का दाब बी पर लिख दीजिएगा पूरा, पॉइंट बी पर वायु दाब इसे मैं पी बी बोल दे रहा हूँ। पी बी बराबर कितना है, पी बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा 10^-2 से गुणा होगी, और -2 का स्क्वायर 10^-4, ऊपर ले जाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा, तो 9.81 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। आपको यूनिट हमेशा MKS या फिर SI यूनिट यूज करनी है, SI यूनिट, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद और क्या है आपको, पानी की, यहाँ पर पानी के तल की ऊंचाई दे रखी है ये वाली, ठीक है, तो ये 60 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, पारे के ऊपरी तल से पानी के तल की ऊंचाई सपोज आपने इसको H3 मान लिया, H3 कितना है 60 सेंटीमीटर है, मीटर में लिखेंगे तो 0.60 मीटर हो जाएगा ये। इतना बोलिए क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को। और पानी का घनत्व तो हम सब लोग पहले से जानते हैं, पानी का घनत्व तो 1000 होता है। तो ये जो गिवन डेटा मैंने लिखा है ये आपको इसी तरह से लिखना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। अगर एग्जाम में आपको इनके नाम ना लिखने आए, किस तरह लिखें कन्फ्यूज हो रहे हो आप लोग, तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में अपने से क्या लिखेंगे आप, इन शॉर्ट लिख लीजिएगा। इसको मान लीजिएगा ये S दे रखा है तेल वाला, तो सपोज आपने इसको S1 कह दिया, तो आप यहाँ से रो 1 दिखा दीजिएगा, रो 1 आपका 900 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 1000 से, तो 900 kg पर मीटर क्यूब ये रो 1 हो गया। इसके बाद आप इसको H1 मान लीजिएगा बेटा, इसको H1, इसको मान लीजिएगा H2। डायरेक्टली अगर आप कुछ याद ना आए इनके नाम वगैरह क्या है, तो शॉर्ट में ये H1 है, ये H2 है, इसको मानिएगा H3 है, ये क्या है बेटा H3 है, ठीक है। इसके बाद ये S2 कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर रो 2 लिख दीजिएगा, रो 2, इसमें 1000 से भाग करेंगे तो 13600 हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब में। क्लियर है इतना। वायु का दाब आपको यहाँ पर PV दे रखा था ऑलरेडी, PV क्वेश्चन में गिवन था, इसको PV लिख दीजिएगा, जो कि आपको 9.81 दे रखा था न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ ना, तो अगर कुछ ना समझ आए तो इतना कर लीजिएगा। H1 ये, H2 ये H3 हो गया, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और पानी वाले को आप रो 3 मान लीजिएगा, पानी का जो घनत्व होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, बाकी कोशिश यही करना आप इस तरह लिख के आना, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, जो डेटा था आपका मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दिखा दिया आपके सामने, इसको मिटा के सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए एक बारी, ठीक। अब मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस गिवन डेटा थोड़ा समझना जरूरी था, कौन सी वैल्यू दे रखी है, क्या क्या नहीं दिया है। अब हम एक साइड से शुरू करेंगे, रूल हमारा वही रहेगा, कोई फॉर्मूला आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आपको क्या लिखना है, वही लिखना है, प्रेशर इन लेफ्ट लिंब कह दीजिए आप, लेफ्ट लिंब या फिर लेफ्ट कॉलम बोल दीजिए, यानी बाईं भुजा में दाब कितना है, लेफ्ट लिंब। तो देखिए क्या क्या, ए पॉइंट पे प्रेशर है, यहाँ पर पीए बोलेंगे, पीए प्लस में, यहाँ से यहाँ तक क्या है, H1 मानी हमने, तो H1 कर दीजिए, बोलिए H1, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद और कुछ है, यस ये और है H2 हाइट वाला, प्लस में इसकी डेंसिटी अलग है, जिसको हमने रो 2 माना था पारे को, H2। ये तो हमारा लेफ्ट साइड में हो गया, PA H1 और H2 लेफ्ट साइड का हो गया। अब लिखिए राइट में, प्रेशर इन राइट लिंब में प्रेशर कितना, राइट साइड में देखिए,
वायु का दाब था जो पीवी आपको ऑलरेडी दे रखा है कि उस समय पीवी लिखेंगे, पीवी है और क्या है, और यहाँ पर पानी था आपका, पानी के लिए क्या लिखेंगे आप, रो, यहाँ पर आपने रो वन रो टू माना, तो जो पानी का घनत्व होता है उसको आप रो थ्री कह दीजिएगा, जो कि 1000 होता है केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ रो थ्री हो जाएगा और जी, और ये हाइट आपकी एच थ्री, और कुछ तो है नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं, बस यही था, वायु का दाब हो गया और यहाँ से यहाँ तक पानी की हाइट वाला प्रेशर हो गया पानी के लिए। इन दोनों को बराबर कर देंगे इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से, यहाँ से मिल जाएगा पी ए प्लस में रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू बराबर पी बी प्लस में रो थ्री जी एच थ्री। अब पी ए हमें निकालना, बाकी सबको एक साइड कर लो, पी ए निकल आएगा। तो पी ए बराबर इधर क्या है, पी बी है प्लस में रो थ्री जी एच थ्री है, माइनस हो गया इधर आके ये रो वन जी एच वन और माइनस में फिर रो टू जी एच टू। क्लियर है सभी को, यहाँ वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, ये एज ए फॉर्मूला हमने बना लिया निकाल के। अब यहाँ सारी वैल्यूज हमारे पास है, सबको पुट करेंगे आंसर आ जाएगा निकल के। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ऊपर का डेटा जो फॉर्मूला टाइप जो मैंने बनाया है इसको छोड़ते हैं सिर्फ, आप लिखते रहिए प्लीज़, है ना। ये पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइप से मैंने सॉल्व कराया पूरा अच्छे से डिटेल में, बाकी तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन हमें मार्क्स लेके आने, 5 नंबर में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो कंप्लीट करके आएंगे अच्छे से, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, पी ए बराबर पी वी की वैल्यू, बेटा पी वी 9.81 था, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, 10^4 से गुणा करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया, प्लस रो थ्री, रो थ्री हमारा पानी का घनत्व है 1000 था, जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच थ्री, एच थ्री कितना बेटा यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर था, तो 0.60 मीटर हो गया प्लस में, यहाँ तक हो गया माइनस, सॉरी इसके बाद माइनस है, इसके बाद माइनस है, माइनस में रोबन, रोबन हमारा ये तेल माना हमने रोबन 900 था, रोबन की वैल्यू 900 इंटू जी की वैल्यू 9.81, इसके बाद फिर इंटू में एच वन, एच वन आपका 20 सेंटीमीटर था, तो 0.20 मीटर हो गया, ठीक है, मीटर में रखनी है वैल्यूज को। फिर माइनस इस पर आ जाओ, रो टू जी एच टू, रो टू मतलब इस पारे का घनत्व, रो टू कितना 13600 गुणा जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच टू, एच टू मतलब ये वाली हाइट 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.10 मीटर, ये हो गया, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दीजिए, आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, 9.81 गुणा 10^4, ठीक है, इसके बाद प्लस करना है आपको, प्लस ये कितना है 1000 गुणा 9.81 गुणा 0.60, ठीक है, इसको बराबर कर लिया, फिर इसमें से माइनस कीजिए, माइनस कितना 900 गुणा में 9.81 और गुणा में 0.20, ठीक, बराबर, फिर इसमें से माइनस किया इसको 13600, एक मिनट ब्रैकेट के साथ करिए, 13600 गुणा 9.81 फिर गुणा में 0.10 बराबर कर दिया, तो ये आ रहा है हमारा कितना, ये आ रहा है 8.78.68.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन में लिखेंगे आप, तो यहाँ इस पॉइंट को यहाँ ले जाइए, तो कितना आ जाएगा 88.878 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, 8.887 गुणा 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, यहाँ किलो न्यूटन में ना देकर के उन्होंने न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो 10^4 की फॉर्म में लिख देंगे इसको, तो 8.4 की फॉर्म में क्या आएगा, 8.88 इंटू 10^4 हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8^ ये 10^4 है ना, इसको हटा के हम न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं इसको, एक ही मतलब था, आप यहाँ तक छोड़ दीजिए तब भी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने यहाँ पी ए इस फॉर्म में दिखा रखा है जिसमें पी वी दिया था न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये भी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ही दिखा रखा है, तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा टाइम इसमें एक्स्ट्रा लिया था आपको ये समझाने के लिए, एच वन का नाम क्या होगा, एच टू का नाम, एच थ्री का नाम,
इसीलिए, बाकी तो आप केवल डायग्राम में दिखा के डायरेक्ट कर सकते थे इस तरह से। बस फॉर्मूले के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, लेफ्ट वाले लिम्ब में प्रेशर इक्वल टू राइट वाले लिम्ब में प्रेशर लिख करके और दोनों को इक्वेट करा दीजिएगा, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी टॉपिक का, इसको पढ़िए ध्यान से, ये भी बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी है। देखिए लिखा है इसमें, एक यूनली भेददर्शी द्रव दाब मापी दो पाइपों के दो बिंदुओं ए तथा बी पर जुड़ा है, जैसा कि चित्र से प्रदर्शित है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी आपको एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर दिया है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा पाइप ए में आपेक्षिक गुरुत्व 1.5 का द्रव भरा है, जो पाइप ए है इसमें जो द्रव ये भरा हुआ है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 दे रखी है। ठीक है, यहाँ दिखा रखा है हमने डायग्राम में, जबकि पाइप बी में 0.9 आपेक्षिक गुरुत्व का द्रव भरा है, बी वाले में कितने का स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 0.9 है। आगे बोला बिंदु ए तथा बी पर दाब 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 1.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्रमानुसार है, यानी ए वाले पाइप में जो दाब है, पाइप ए में दाब पी ए बराबर 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बी वाले में कितना है पी बी बराबर 1.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्रमानुसार है। नली में पारे का अंतर ज्ञात कीजिए, इस नली में पारा कहाँ भरा हुआ है, तो पारा ये नीचे भरा हुआ है ये वाला, और इसके तलों में अंतर बताना। देखो ये वाला नीचे वाला तल है, ये ऊपर वाला तल है, इन दोनों के बीच का अंतर h मान लिया सपोज, आपको यहाँ पर h फाइंड आउट करना है। चीज़ें क्लियर है सभी को? अब ये जो लिखा हुआ है डायग्राम में, सब कुछ डायग्राम में यहाँ दे रखा है, फिर भी हम गिवन डेटा करके इसको लिख लेते हैं एक बारी, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन मिटा दूँ, ऊपर गिवन डेटा लिख दूंगा या फिर यहाँ कर लेते हैं। चलिए लिख लीजिए गिवन डेटा। गिवन डेटा जब लिख के ना, इस बार मैं डायरेक्ट सिंबल की फॉर्म में लिखूंगा, नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे सिंबल की फॉर्म में। इधर से शुरू कीजिए और ऐसे करते करते नीचे से यहाँ तक आ जाइए, लेफ्ट से शुरू करके ऐसे राइट तक देखते हैं क्या क्या दिया है आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको पी ए दे रखा है, यानी पाइप ए में दाब, पाइप ए में दाब पी ए बराबर कितना है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कीजिए। बेटा यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है HHM सब्जेक्ट में, हाइड्रोलिक्स में, इसलिए यूनिट कन्वर्जन आप सबको आना चाहिए। अब kgf को अगर मैं किलोग्राम भार, kgf मतलब होता है बेटा किलोग्राम भार, कोई बता सकता है एक kgf में कितने न्यूटन होते हैं? 9.81। कितने हमने पढ़ा है ना, W बराबर mg, जब हमें मास दे रखा हो तो g की वैल्यू से गुणा कर दो, न्यूटन में आ जाता है, g की वैल्यू 9.81 होती है, इतने न्यूटन होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 1 है ये इंटू में 9.81। ठीक है, इसके लिए ये न्यूटन हो गया। अब जो नीचे लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ना, ये ऐसे लिखा था kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके लिए तो हमने 9.81 कर लिया, जिससे ये न्यूटन हो गया। अपॉन इसको करने के लिए मीटर के लिए 10^-2 मीटर होता है 1 cm में, इसका स्क्वायर है। अगर आप आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.81 न्यूटन, 10^-4 हो जाएगा ये नीचे मीटर का स्क्वायर। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेटा ये पावर आपका प्लस का हो जाएगा। बोलिए हो गया नहीं हो गया, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करने के लिए 9.81 इंटू 10^4 से करना पड़ेगा, इंटू 10^4 से मल्टीप्लाई करना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन चुका है। मुझे लगता है अब आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है। S1 दे रखा, मतलब पाइप A में जो द्रव है इसका आपेक्षिक घनत्व दे रखा है S1 बराबर 1.5 S1, ये यूनिट नहीं होती इसकी कोई भी। यहाँ से हम डेंसिटी बता सकते हैं, बेटा S की वैल्यू में 1000 से गुणा कर देंगे तो डेंसिटी मिल जाएगा, डेट मीन्स ये 1500 आ गया। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद हाइट देखो, पहले वाली हाइट है 3 मीटर, इसको हमने सपोज H1 मान लिया, ये 3 मीटर है। दूसरी हाइट है बेटा H2, H2 यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ये 2 मीटर। नीचे जो हाइट है H है H, और H हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, इधर आ जाइए पारा, ये वाला पारा, पारे का आपको आपेक्षिक घनत्व ये हमने S3 मान रखा है, इसको S3 दे रखा है 13.6। एक चीज़ आपको क्लियर करता है, आप किसी को भी S1 S2 S3 मान सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है, अगर आपने ये वाला S1 माना है तो इसकी हाइट ये वाली H1 मानेंगे, अगर आपने ये S2 माना होता तो हाइट आप इसको H2 मानते,
यानी डेंसिटी के हिसाब से उसकी हाइट लेनी है, जिससे फॉर्मूले में बदलाव ना आए। जैसे रो जी एच होता है ना, तो रो के साथ जो रो लिया वन लिया है तो एच बी वन रहेगा, रो टू लिया तो एच बी टू रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सिंबल जब भी आप माने ये चीज़ ध्यान रखें। इसकी डेंसिटी को हम क्या कहेंगे, एस थ्री कह देंगे, रो थ्री कह देंगे, तो 13.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13600। यूनिट क्या आएगी, के जी पर मीटर क्यूब। इतना क्लियर। इसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ पर इधर, यहाँ पर बेटा प्रेशर तो पी वी था आपका, पी वी पी वी पी वी कितना है, वैल्यू देख लीजिए आप लोग, 1.8 पी वी बराबर 1.8 के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट फिर से सेम चेंज करेंगे, 1.8 के जी एफ में 9.81 होता है न्यूटन, न्यूटन हो गया। इसको मीटर करने के लिए 10 की घात 4 से गुणा, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। क्लियर है सभी को। एंड S2 आपको दे रखा है यहाँ पर, S2 कितना बेटा 0.9 है, तो S2 से हम रो 2 बता सकते हैं, रो 2 0.9 में 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 900 आ जाएगा, 900 के जी पर मीटर क्यूब। सारी डायमेंशंस हो गई। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, H2 प्लस H ये वाली हाइट है। ये सब इसकी हमने गिवन डेटा लिख दिया, ये सब था। आप इसको नोट कीजिए, मैं गिवन डेटा यहाँ से रफ करके और इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, समझते चलिएगा साथ साथ। हटाते हैं इसको, देखिए ये आप सबने लिख लिया होगा इसको, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था, बाकी वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, हम सॉल्व करेंगे तो साथ में लिख लेंगे इनको, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, इधर पूरा मिटा करके सॉल्व कर लेते हैं इसे। चलिए सबसे पहली चीज वही तरीका रहेगा हमारा, पहले लेफ्ट साइड में प्रेशर देखेंगे, प्रेशर इन लेफ्ट लिंब, लिंब मतलब बेटा भुजा, ठीक है। लेफ्ट लिंब कह दो या लेफ्ट कॉलम कह दो आप। लेफ्ट में कितना प्रेशर है बेटा, एक तो ए पॉइंट में प्रेशर है पी ए, प्लस ये द्रव है यहाँ पर जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस वन थी, तो रो वन हो जाएगा, रो वन जी। और इसकी हाइट कितनी बेटा, इस वाले द्रव की हाइट यहाँ से और यहाँ तक की हाइट ये वाली 3 और 2 5 है। मैं एच वन प्लस एच टू लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, एच वन प्लस एच टू, क्योंकि H1 और H2 दोनों हाइट पर सेम टाइप का फ्लूड भरा हुआ है, इसलिए हम H1 H2 को एक साथ दे लेंगे। हम ऐसे भी कह सकते थे रो वन जी एच वन प्लस में रो टू जी एच टू, एक ही मतलब है, या फिर आप रो जी को बाहर कॉमन लेके लिख देंगे H1 प्लस H2। ये समझ आ गया सभी को। इसके बाद इसी में लेफ्ट साइड में आपका यहाँ से यहाँ तक इस हाइट तक का पारा भरा है, तो पारे का घनत्व एस थ्री था, सॉरी रो थ्री था, रो थ्री जी, और ये हाइट कितनी बेटा एच है, एच। अब बताइए लेफ्ट साइड का प्रेशर क्लियर है सभी को, पी ए आ गया प्लस में रो वन जी, और ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की सेम टाइप का फ्लूड है एच वन प्लस एच टू, ठीक है। इसके बाद पारे वाला, अब राइट साइड में ले लो प्रेशर इन, प्रेशर इन राइट लिंब, राइट लिंब में प्रेशर देखो, एक तो बी पॉइंट पे प्रेशर पी वी है, पी वी प्लस में, प्लस में अब ये एस टू है तो रो टू आएगा इसके लिए, डेंसिटी रो टू जी। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट यहाँ से और यहाँ तक की हाइट ये देखिए, ये वाली हाइट है सेम H2 और ये H, H2 प्लस H है, H2 प्लस H, लेफ्ट राइट दोनों में निकल गया। अब इन इक्विलिब्रियम लगा दो यहाँ पर, संतुलन में क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दोनों को बराबर रख देंगे, पी ए प्लस में रो वन जी एच वन प्लस एच टू, और एक और है प्लस में रो थ्री जी एच बराबर पी वी प्लस रो टू जी एच टू प्लस एच। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कीजिए, पी ए कितना बेटा, पी ए ये वन है, वन इंटू ये के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 9.81 से न्यूटन बन गया, 10 की घात 4 से करने पर ये मीटर स्क्वायर बन गया। यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखें। प्लस अब रो वन जी, रो वन कितना बेटा, एस वन 1.5 है, तो रो वन 1500 आया था इसका, इंटू में जी की वैल्यू 9.81 होती है, 9.81 ब्रैकेट में एच वन प्लस एच टू, एच वन 3 है, एच टू 2 है, 3 2 5 हो गया, डायरेक्ट लिख दे रहे 5। प्लस इसके बाद रो थ्री पर आ जाओ, रो थ्री ये वाला 13600 होगा बेटा, रो थ्री 13600 गुणा में जी की वैल्यू 9.81 और एच हमें फाइंड आउट करना है, एच निकालना है बराबर, यहाँ लगा दे रहे हैं बराबर। अब ये पी वी की वैल्यू कितनी है, पी वी 1.8 था, यूनिट कन्वर्जन 9.81 इंटू 10 की पावर 4 प्लस
रो टू दूसरे की डेंसिटी 0.9 था तो 900 हो जाएगी, जी की वैल्यू 9.81, ब्रैकेट में H2 मतलब ये वाली हाइट बेटा 2 है, 2 लिख लिया, प्लस में H। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। कितना पहले यहाँ 9.81 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 बराबर, इसको गुणा करने पर ये 98100 आ गया, प्लस इसमें ये भी ऐड कर ले रहे हैं साथ में, प्लस करके 1500 गुणा 9.81 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज बराबर। यहाँ तक पूरा सॉल्व किया, कितना आया ये 17 1675, प्लस ध्यान रखेंगे ना, हमने ये यहाँ तक सॉल्व किया, प्लस इसको देखिए अब 13600 गुणा 9.81 ये आया 133416, और इसके साथ एच है, एच बराबर के इस साइड का कर लो अब सॉल्व, पहले इसको करो 1.8 इंटू में 9.81 इंटू 10 to the power 4 इक्वल किया, ये आ गया 176580 प्लस। अब इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का 900 मल्टीप्लाई बाई 9.81 बराबर किया 88 29 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का गुणा 88 29 आया, पहले इसका 2 में गुणा कर लो, गुणा 2 कर दिया इसमें तो ये आ रहा है 176 58 आ गया, प्लस ये कितना था 88 29 और एच, क्लियर हुआ, इन दोनों को ऐड कर लो और एच वाली एक तरफ, ये एच है, ये कम है, एच को एच के पास ले आओ तो 133416 एच माइनस ये वाला 88 29 एच बराबर, ये दोनों कितने हैं जोड़ लो इन दोनों को, या डायरेक्ट लिख लो अभी 176580 प्लस में 176580 माइनस हो जाएगा ये वाला इधर आके 1617 1675 वैल्यू देख लीजिए, सही लिखे हैं इसको, कैलकुलेशन आप अपने से भी करें ना, एक बार चेक कर लिया करें, 133416 में से माइनस कर दो 8829 को तो ये बराबर किया, यह है 124 124587 बराबर, प्लस वाले दोनों जोड़ लो 17 1765 80 माइनस किया इसमें 17 65 8 जो भी आया इसमें प्लस माइनस प्लस करना था इनको 17 6580 और प्लस में 17 658 दोनों को प्लस किया इसमें से माइनस किया इतना 17 16 75 बराबर कर दिया इसको तो ये आ रहा है हमारा 22563 इसके साथ में एच था बेटा एच इसको इधर लाएंगे अपॉन में तो ये अपॉन में मतलब भाग हो जाएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा कितना 124587 इक्वल कर दिया तो ये आ रहा 0.1811 इतना आ गया ये मीटर में है मीटर में इतना मीटर आ गया अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 100 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये आपका 18.11 सेंटीमीटर आ जाएगा पारे के तल का अंतर ये आंसर हो गया मुझे लगता है समझ आ गया होगा सभी को चेक कर लें आंसर इसका 18.1 सेंटीमीटर बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर आया है यही दे रखा है आंसर भी तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा आप कर लेंगे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जैसे हमने सिंपल मैनोमीटर के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही सेम डिफरेंशियल मैनोमीटर के क्वेश्चन किए जाते हैं ध्यान सिर्फ एक ही रखना है आपको बैलेंसिंग बाई इक्विलिब्रियम ठीक है यानी इनमें क्या करेंगे हम दोनों कॉलम को इक्विलिब्रियम में रख देंगे लेफ्ट साइड का कॉलम में प्रेशर बराबर राइट साइड के कॉलम में प्रेशर और आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं तो ये हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर वाला पार्ट था कवर हो गया अब एक लास्ट बचा है हमारा इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर तो अब देखते हैं हम इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर को फिर उसका भी एक क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक तो अब समझते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यानी उल्टी यूनली भेददर्शी द्रवदाब मापी अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इन्वर्टेड यूट्यूब इन्वर्टेड मतलब हो गया उल्टा यानी जो हमने पीछे अभी पढ़ा था यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर उसी को आप उल्टा करके बना देंगे आपने पीछे क्या देखा था इस तरह से यू शेप की नली होती थी
ऐसे यू शेप की नली होती थी और इसको हम दोनों सिरों पर पाइप में ऐसे जोड़ देते थे। तो ये यू शेप का बन रहा था, यहाँ पर इसको उल्टा करके बना देंगे, उल्टा यू, तो ये इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, इतना नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, दूसरी चीज इसमें बेसिक सा डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस ये है जो आपने पीछे पढ़ा था यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, उसके ट्यूब में जो द्रव भरा जाता था वो भारी द्रव होता था, मतलब हैवी लिक्विड हम उसमें भर रहे थे। लाइक डेट हमने भरा था उसमें पारा, जिसका अपेक्षिक गुरुत्व बहुत ज़्यादा था 13.6, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का द्रव भरते हैं इसकी, इस यूट्यूब नली में हल्का द्रव भरा जाता है इन्वर्टेड वाले में। हल्का क्यों भरते हैं, ताकि ये नीचे को आसानी से फ्लो कर पाए और यहाँ पर प्रेशर लगा पाए, इतना समझ पा रहे हैं। तो हल्के द्रव के रूप में हम तेल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि तेल का जो अपेक्षिक घनत्व तो होता है वो काफ़ी कम होता है, 0.8 या 0.9 होता है, जबकि पारा बहुत भारी था उसका 13.6 था। तो 13.6 और 0.89 में कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये काफ़ी हल्का होता है तेल, तो इसमें हल्का द्रव भरा जाता है, उसमें भारी द्रव भरा जाता था। दूसरा अंतर क्या रहेगा, वहाँ पर जो हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे थे, जैसे मुझे सपोज इस लेफ्ट लिम्बो में बताना प्रेशर, तो वहाँ क्या करते थे, पी ए लेते थे प्लस में फिर रो जी एच वाले फॉर्मूले को जोड़ते थे ऐसे, या रो वन जी एच वन प्लस में रो टू जी एच टू, ये करते थे। बट यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर उल्टा है, तो आपको यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन यूज करना होगा। जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे, हम पी ए करेंगे, पी ए करने के बाद ऐसे ऊपर को चढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ वैक्यूम प्रेशर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर लगता है, इसलिए यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन यूज करेंगे, प्लस यूज नहीं करेंगे इन्वर्टेड में। इतना बेसिक सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है बस, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है पीछे की तरह। तो इसकी थ्योरी भी यहाँ लिखी है, पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या लिखा है इसमें, चित्र के अनुसार जिन बिंदुओं के बीच दावंतर ज्ञात करना होता है वहाँ पर उल्टी यू नली के सिरों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें ए और बी के बीच में दाब में अंतर ज्ञात करना था, तो हमने इसमें ये उल्टी यू नली जो है इसके दोनों सिरों को जोड़ दिया। ठीक, अब जिसमें हल्का हल्का द्रव मतलब हो गया कम अपेक्षिक गुरुत्व का द्रव भरा होता है, ये हल्का द्रव हमने दिखा रखा है इसमें भरा हुआ है, जैसे तेल कह दिया सपोज। आगे लिखा यह है कम दाब के अंतर को मापने के लिए यूज किया जाता है, मतलब हमें जो आपका कम दाब होगा ना, कम मतलब जो जिसकी वैल्यू कम हो प्रेशर की, उसके अंतर को मापने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो डायमेंशन दिखा रखे हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है चित्र से। माना एच वन क्या है, ये हमने कोई बेस लाइन खींच दी एक्स एक्स, एच वन जो हमारा इस आधार रेखा के नीचे केंद्र ए की दूरी है एच वन। ठीक है, तो आधार रेखा एक्स एक्स से नीचे लेफ्ट लिम्ब में, लेफ्ट मतलब ये बाएं हाथ वाला जो है बाई साइड वाला, लेफ्ट लिम्ब में बिंदु ए के केंद्र की दूरी है। एच टू क्या हो जाएगा, एच टू जो हमने ये हल्का वाला द्रव भरा था इसके तल से लेकर और बी के केंद्र तक की दूरी है, यानी राइट लिम्ब में हल्के द्रव के तल से नीचे बिंदु बी के केंद्र की दूरी, ये एच टू है। एच थ्री यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा हल्का द्रव था इसके तलों में अंतर है, इसका एक तल ये है एक तल ये है, दोनों में अंतर कितना है एच थ्री। तो एच थ्री के बारे में आप लिख सकते हैं, हमने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा क्या, हल्के द्रव के तलों में अंतर, एच थ्री बराबर हल्के द्रव के तलों में अंतर, तल मतलब बेटा लेवल, तलों में अंतर, ये एच थ्री है। ठीक है, अंतर। इसके बाद हमने जो ए में जो द्रव भरा था इसका घनत्व तो मान लिया, सपोज स्पेसिफिक ग्रेविटी एस वन थी तो डेंसिटी हमने इसकी रो वन मान ली। ठीक, ऐसे ही बी में जो द्रव भरा है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज हमने रो टू मान रखी है, रो टू, अगर आपको एस दे दे वैल्यू तो एस वन एस टू इनमें एक एक हज़ार से गुणा करके रो वन रो टू मिल जाएगा, और जो हल्का द्रव था हल्का द्रव इसकी डेंसिटी सपोज हमने मान रखी है रो थ्री, इस तरह से। तो लिखा है रो वन ए में द्रव का घनत्व, और रो टू बी में द्रव का घनत्व, और रो थ्री हल्के द्रव का घनत्व। पी ए पी वी क्या है, इस पे जो दाब लगेगा ए में वो ए पर दाब तो हो गया आपका पी ए, और पी वी हो गया बिंदु बी पर दाब। ये सिंपल सा था, इसे तो आप लिख सकते थे। अब मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने डेराइव करके दिखाता हूँ, फॉर्मूले को ध्यान से समझना, बिकॉज इनके थ्योरी आपसे नहीं पूछेगा, इनमें न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो इसका न्यूमेरिकल समझने के लिए फॉर्मूला समझ लीजिए। हटा दें इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ और फॉर्मूला आपके सामने निकाल के दिखाते हैं। इसका फॉर्मूले को जरूर समझना अच्छे से, ठीक है। और ये जो मैंने रो वन रो टू रो थ्री माना, कोई इसे को रो वन रो टू रो थ्री मान सकते हो, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप इसी को रो वन इसी को रो टू मानेंगे, किसी को भी मान लो अपनी सुविधा के अनुसार, वो तो जस्ट सिंबल है, बस ध्यान वही रखना, जिसके लिए रो वन माना है उसकी हाइट को एच वन मानेंगे, जो रो टू माना है उसकी हाइट को एच टू मानेंगे, उतना ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। चलिए अब फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर इन
प्रेशर इन लेफ्ट लिंब। बेटा लेफ्ट लिंब में कितना प्रेशर आएगा, देखिए ए पॉइंट पे प्रेशर होगा पी ए। अब इसके बाद प्लस की जगह माइनस यूज करेंगे इन्वर्टेड में, तो यहाँ पी ए, ए से लेके यहाँ तक ये जो फ्लूड भरा हुआ जिसकी डेंसिटी रो वन है, इसकी हाइट एच वन थी, तो माइनस में क्या हो जाएगा रो वन जी एच वन। क्लियर है ये, इसको यहाँ लिख लेते हैं पी ए माइनस में रो वन जी एच वन। और कोई है इसमें लेफ्ट लिंबू में, कोई नहीं है, बेस लाइन से नीचे नीचे यही था, इसके ऊपर तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम फ्लूड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पी ए हो गया माइनस में रो वन जी एच वन हो गया, लेफ्ट का समझ गए। अब राइट में निकाल लेंगे प्रेशर इन राइट लिंब। बेटा राइट लिंब में प्रेशर कितना होगा, राइट लिंब में देखो एक तो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा पी वी, यहां लिख देते हैं पी बी, इसके बाद एच टू हाइट तक का माइनस में, इसके लिए डेंसिटी रो टू है रो टू जी एच टू, और फिर एक ये एच थ्री हाइट वाला और, तो माइनस में एच थ्री हाइट के लिए डेंसिटी रो थ्री है रो थ्री जी और एच थ्री। इतना ध्यान रखना यहाँ पर इनमें जो हम पी ए पी वी के बाद पी ए और पी वी के बाद जो प्लस लेते थे उनको माइनस लेना है सिर्फ, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब ये दोनों निकाल दिए, दोनों को इक्वेट करा दो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम 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 में बराबर कर देंगे तो पी ए माइनस रो वन जी एच वन बराबर पी वी माइनस रो टू जी एच टू और माइनस में रो थ्री जी एच थ्री। क्लियर, इस पी वी को इधर ले जाओ इसको इधर ताकि हम डिफरेंस बता सकें, तो पी ए माइनस पी वी बराबर, जब हम इसको इस साइड लाएंगे बेटा ये माइनस में था इधर आके प्लस हो जाएगा, तो रो वन जी एच वन प्लस का, बाकी ये दोनों माइनस के नोट कर लो, पी टू जी एच टू और माइनस में पी थ्री सॉरी रो थ्री जी एच थ्री, ये भी बेटा रो टू है, मिस्टेक से पी बोल दिए थे, यानी रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो थ्री जी एच थ्री, ये दोनों में डिफरेंस आ गया पी और पी वी में। बिल्कुल आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे अंतर कितना है, अंतर समझ आ गया ना। इस वहाँ पर प्लस लेते थे इन सबको, पीछे प्लस लेते थे, यहाँ पर हम माइनस लेंगे इन्वर्टेड में, बस इतना सा अंतर रहेगा, बाकी यहाँ द्रव हल्का भरा होगा उसमें भारी भरा होता था। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए किस तरह निकाला गया, आप भी ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हमें ये और अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है, मतलब समझ में आ जाए। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके, चलिए अब देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम जो आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया है उसी पर बेस्ड है। इसमें लिखा है दो अलग अलग पाइपों में पानी बह रहा है, मतलब एक पाइप ये इसमें भी पानी बह रहा है, दूसरा पाइप ये इसमें भी पानी बह रहा है, ठीक है, जिसमें एक प्रतिलोमित यू नली भेददर्शी द्रवदाबमापी जुड़ा है, मतलब ये क्या आपका ये इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इसमें जुड़ा है। आगे कह रहा है प्रतिलोमित भेददर्शी दाबमापी में यानी इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर में 0.8 आपेक्षिक गुरुत्व का तेल भरा है, इसके अंदर क्या है तेल भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। पाइप ए में दाब 2 मीटर पानी शीर्ष है, ये जो पाइप ए है ना इसमें दाब दे दिया आपको 2 मीटर पानी शीर्ष, मतलब पानी की ऊंचाई के पदों में दाब दे रखा है पी ए की वैल्यू। आगे कह रहा है चित्र में दाब मापी को दर्शाया गया है, बिंदु बी पर दाब ज्ञात कीजिए, ये डायग्राम आपको दिया जाएगा और बी पर आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। अब वैल्यू देखिए आपको क्या क्या इसमें गिवन है, सबसे पहली चीज यहां से स्टार्ट करिए, ये पानी है तो यहां लिख लीजिए पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व, पानी के घनत्व को हम क्या बोलते हैं बेटा पानी, उससे भी पहले आप एक काम करिए पीए की वैल्यू लिख दीजिए, पहले पीए दे रखा है ना आपको, पीए लिख दीजिए, तो आपको यहां पर पीए कितना दे रखा है आपको, यहां लिख दीजिए ए पर दाब, बिंदु ए पर दाब, बिंदु ए पर दाब, बिंदु ए पर दाब कितना दे रखा है, मैं यहाँ पी ए लिख दे रहा हूँ, पी ए बराबर ये दे रखा है आपको 2 मीटर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पानी शीर्ष, ऐसे लिखा है 2 मीटर पानी शीर्ष। अब चूंकि हम जानते हैं जो पी बराबर होता है हमारा क्या होता है बेटा रोजी एच होता है, इस रोजी को इधर ले जाओ तो यहाँ से हम एच बराबर कह सकते हैं पी अपॉन रोजी, क्या बोल सकते हैं पी अपॉन रोजी, तो यहाँ पर ये एच के पदों में है, मतलब यहाँ पर हाइट के पदों में ये दे रखा है, हमें एच की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, या आप सिंपल इतना लिख दीजिएगा ए पर दाब बराबर 2 मीटर पानी शीर्ष, ये एच दे रखा तो पी अपॉन रोजी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं यहां पर हम इसको कह सकते हैं पी पी ए अपॉन रोजी, या ऐसे लिख दीजिए ऐसे
बिंदु ए पर दाब पी ए अपॉन रो जी हमें यहाँ दे रखा था कितना 2 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पर हमें एच की वैल्यू दे रखी है बेटा, बिंदु ए पर जो दाब दिया था वो 2 मीटर पानी शीर्ष दे रखा है, यानी ये वैल्यू हमें एच की दे रखी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एच बराबर पी ए अपॉन रो जी होता है, तो पी ए अपॉन रो जी बराबर हमें 2 मीटर दे रखा है, रो और जी को इधर ले जाओ तो यहाँ से पी ए मिल जाएगा हमें, पी ए कितना मिल जाएगा देखिए, पी ए बराबर 2 मीटर है ये, गुणा रो की वैल्यू पानी का घनत्व 1000 होता है, इंटू में जी की वैल्यू 9.81 होती है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये देखिए, 2 × 1000 × 9.81, तो यहाँ से ये आ गया हमारा कितना 119620, इतना ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ पी ए की वैल्यू, इधर लिख देना पी ए बराबर कितना 19620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सभी को समझ आ रहा है ना, यहाँ पर 2 मीटर पानी शीर्ष के रूप में दे रखा है, डेट मीन्स हमें पी ए निकालने के लिए पी ए अपॉन रो जी की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। साइड से आप देख सकते हैं इसको, पी ए मिल गया, पी ए के बाद और क्या दिया है हमें, ये जो मैंने निकाला है आप निकाल देंगे ना इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी डेंसिटी पता है, ये पानी है तो पानी की डेंसिटी इसको आप रो वन मान सकते हैं, रो वन 1000 होता है केजी पर मीटर क्यूब में, तो यहाँ रो वन हो गया, रो वन लिख के दिखाइएगा पानी का घनत्व, ठीक है, लिख के दिखाइएगा पानी का घनत्व, इसको हमने बेटा रो वन मान लिया 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद ये जो हाइट है यहाँ से आता है, इसको एच वन मान लीजिए, तो यहाँ से हमने एच वन बराबर कह दिया कितना था 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर हो गया। इसके बाद इधर आए, ये तेल है, तेल तेल के घनत्व को एस टू मान सकते हैं, तेल का घनत्व एस टू नहीं सॉरी रो टू यहाँ एस दे रखा है इसका 0.8, 1000 से गुणा करेंगे रो टू मिल जाएगा, मतलब 800 केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद यहाँ पर आए आप, यह आपने H1 माना था बेटा, ये H2 मान लीजिएगा, इसको H3 कह दीजिए, H3 ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर, ये H3 है, ये हमने H1 माना है, इसको H2 मान लेंगे, ठीक। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर H3 बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब 0.12 मीटर, ऐसी H2 बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 0.10 मीटर, इतना कर लेंगे सभी। और यहाँ पर पी भी हमें निकालना था, ये मैं हटाने जा रहा हूँ इसको, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, पी ए कैसे निकाला है, हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं, एक चीज़ और दिखा दें, जब ये पानी है ये भी पानी है तो उधर पी रो वन है, तो यहाँ भी क्या होगा, इसकी डेंसिटी रो वन ही होगी, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो वन है बेटा, और इसकी डेंसिटी रो टू है, इसकी डेंसिटी रो टू है, बाकी सब हमने दिखा दिया डायग्राम में। डायग्राम की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे, ठीक। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब बेटा, लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर कितना होगा, ए पॉइंट पे प्रेशर पी ए माइनस, यहाँ से ज़्यादा की हाइट एच वन मानी हमने, तो रो वन जी एच वन, ठीक, लेफ्ट में हो गया ये राइट, प्रेशर इन राइट लिम्ब राइट में बी पॉइंट पर प्रेशर पी वी होगा, पी वी माइनस, ये भी पानी है तो इसकी डेंसिटी भी सेम है, रो वन जी एच वन ही सॉरी एच टू है, हाइट अलग है, एच टू डेंसिटी तो सेम थी, दोनों पानी थे लेकिन ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच टू है। एंड इसी में आगे ये एच थ्री हाइट और है 12 सेंटीमीटर जो दे रखा है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हमारी, ये वाली रो टू डेंसिटी है, रो टू जी एच थ्री, दोनों निकाल दिए, दोनों को इक्वेट करा दो इन इक्विलिब्रियम दोनों को बराबर रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा पी ए माइनस रो वन जी एच वन बराबर पी वी माइनस रो वन जी एच टू माइनस में रो टू जी एच थ्री। सभी वैल्यूज को पुट कीजिए, पी ए कितना था, ये रहा 19620 माइनस रो वन बेटा पानी है तो पानी के लिए 1000 होता है डेंसिटी, जी की वैल्यू 9.81 है, इंटू एच वन ये वाली हाइट 30 सेंटीमीटर था मीटर में, 0.30 हो गया इधर हो गया बराबर, पी वी हमें बेटा फाइंड आउट करना है, माइनस रो वन ये भी पानी है
तो इसके लिए 1000 लेंगे रो वन की वैल्यू, जी की वैल्यू 9.81 इंटू, यहाँ पर एच टू है, एच टू 10 सेंटीमीटर था, मतलब 0.10 मीटर हो जाएगा ये। यहाँ तक हो गया एच टू तक, माइनस अब ये वाला रो टू, रो टू इसकी डेंसिटी 0.8 मतलब 800 हो गया, जी की वैल्यू 9.81 और एच थ्री ये 12 सेंटीमीटर है, मतलब 0.12 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, इन सबको इधर ले जाइए, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं, 19620 माइनस ब्रैकेट में कर लीजिए 1000 गुणा 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.30 इक्वल कर दिया बराबर, कितना आया 16677। ये तो आ गया इधर का कैलकुलेशन। अब पीवी को छोड़ के इसकी कीजिए कैलकुलेशन, 1000 इंटू 9.81 इंटू में 0.10, ये दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, इसको कर लीजिए 800 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.12, इन दोनों को करने पर आ गया ये पीवी और माइनस में दोनों ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ 19.22.76। इसको इधर ले जाओ, जुड़ जाएगा इधर जाके, तो पीवी बराबर कितना आएगा, ये जुड़ जाएगा किस में, 16677 में, बराबर कर दिया तो ये आया आपका 18599.76 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, 18599.76 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर, ठीक है, यही दे रखा है। तो ये आप सबको समझ में आ गया कैसे किया है, आसान क्वेश्चन था, आप लोग भी कर लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है, पहले आप इसको नोट कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, इस साइड का प्रेशर लीजिए लेफ्ट लिंब का बराबर राइट लिंब का, अंतर कितना, जब ऊपर लेते जाएंगे वैल्यूज को उसको नेगेटिव करते जाना, मतलब माइनस में लेना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर आ जाएगा। बस यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखें, जितनी भी डिस्टेंस है सभी को मीटर में रखेंगे, दाब होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे, जी की वैल्यू आपकी 9.81 रखनी है, डेंसिटी आप केजी पर मीटर क्यूब में पुट कीजिएगा, आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। कर लेंगे क्वेश्चन इस तरह का। तो एक क्वेश्चन और है इसी टॉपिक का, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। यस, ये क्वेश्चन है, आपेक्षिक गुरुत्व 0.8 के तेल की एक प्रतिलोमित यूनली भेददर्शी द्रव दाबमापी पाइप के दोनों बिंदुओं ए तथा बी से जुड़ी है, पाइप में पानी बह रहा है, चित्र में दिखाया गया है, बिंदु ए और बी के बीच में दाब अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको पी वी माइनस पी ए निकालना बेटा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना, पी वी माइनस पी ए क्या निकालना आपको, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें आपको पी वी माइनस पी ए निकाल के बताना है कितना होगा, पी वी माइनस पी ए। मैं आंसर आपको लिख रहा हूँ, जो मैंने आपको स्लाइड में क्वेश्चन शो किया है ना, मैं इसका आंसर एक बार ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग खुद से करें तो आंसर अपना चेक कर लें, जिनका आंसर सही आ जाए तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा जरूर कि सर हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। जो आपको होमवर्क में स्लाइड में क्वेश्चन दिया था बेटा, इसका आंसर नोट कर लीजिए, पी वी माइनस पी ए जो आ रहा है वो 1569.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। पी वी माइनस पी ए निकालना था आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन में और इसका आंसर ये आ रहा है। आप लोग प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको जरूर करके देखें होमवर्क वाले क्वेश्चन को, अगर आप कर पाते हैं तो मुझे लगेगा हाँ मैंने जो पढ़ाया है बच्चों को समझ में आया सभी को। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमारा आंसर बिल्कुल राइट आया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अब नया चैप्टर शुरू होगा हमारा अगला, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फ्लूड फ्लो, यानी मौलिक द्रव प्रवाह पढ़ेंगे हम कल से, और कोशिश करेंगे एक या दो लेक्चर में इस चैप्टर को भी पूरा फिनिश कर लें हम। तो अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी और जुड़े रहेंगे आप इसी तरह से जीटेक पॉली के साथ, पढ़ाई करते रहेंगे, एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।